अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल सेलिब्रिटी में खुश आमदीद। हमारी आज की नॉवेल का नाम है जश्न बहारा। हमारी नॉवेल कज़िन मैरिज बेस है, एमरजेंसी निकाह बेस है, आफ्टर निकाह बेस नॉवेल है, मिसअंडरस्टैंडिंग बेस नॉवेल है, पॉजिटिव और रूट हीरो बेस नॉवेल है, यूनिवर्सिटी बेस नॉवेल है। हमारी नॉवेल बहुत ही लाइट रोमांटिक नॉवेल है और फैमिली नॉवेल है। उम्मीद करती हूँ कि नॉवेल आप लोगों को पसंद आएंगी। नॉवेल कैसी लगी मुझसे ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नॉवेल की जानब। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए पढ़ते हैं नॉवेल की जाने। चारों तरफ गुप्त अंधेरा था। बुलंदो बाला बिल्डिंग रात के इस पहर खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। वो जू ही आगे बढ़ रहा था, निस्वानी चीखों पुकार उसको सुनाई दे रही थी। यह आवाज़ उसको बहुत मानूस लगी थी। वो तेज़ी से आगे बढ़ा था, वो दीवानावार भागता जा रहा था। निस्वानी चीखों की आवाज़ उसके दिल पे जरब की तरह पड़ रही थी, कलेजा पड़ रहा था। वो आवाज़ के ताकुब में अंधाधुन भागता जा रहा था। सामने जब उसकी नज़र पड़ी तो वो तड़प उठा। हाँ, वही थी जिसमें उसकी जान अटकी हुई थी, जो असासा हयात थी उसकी, जिंदगी संवारने वाली, जिसको महरम बनाने की ख्वाहिश ही मकसद हयात थी। कोई दरिंदा उसको अपनी हवस का निशाना बना रहा था, वो उसकी गिरफ्त में मचल रही थी। कोई है, बचाओ, इल्तिजा बुलंद हुई। इल्तिजाओं का सिलसिला तवील होता जा रहा था। आंसुओं से आंखें तर थी। नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, वो बड़बड़ाया। बेचैनी से तकिया पे सर पटक रहा था। चीखता हुआ वो हड़बड़ा उठा था। इर्द गिर्द देखा तो वो अपने कमरे में था। चंद लम्हे तो समझ नहीं आई, इतना भयानक ख्वाब। कमरे में एयर कंडीशन ऑन होने के बावजूद भी उसका चेहरा पसीने से तर था। बेचैनी सारे वजूद में फैल गई थी। हाथ बढ़ाकर उसने लाइट ऑन की। तेज रोशनी आंखों में चुभ गई। बेड की साइड पे पड़ा मोबाइल उठाया, पास कोड डाल के होम स्क्रीन पे जो चेहरा नजर आया उसकी जिंदगी था। कुछ सोचकर मैसेज टाइप किया और सेंड कर दिया। जब तक जवाबी मैसेज वसूल नहीं होना था, उसको नींद कहाँ आनी थी। कुछ ही देर बाद मैसेज का जवाब आया, साथ एक तस्वीर मौसूल हुई थी। मासूम सा चेहरा जो इस वक्त नींद की वादी में उतरा हुआ था। उसने सुकून का सांस लिया, मोबाइल एक तरफ रख के खुद वजू करने वॉशरूम में घुस गया। आज गर्मी अपने उरूज पर थी। अभी अप्रैल का वस्त्र चल रहा था, मगर सूरज अपनी जोबन पे था। वो तेज तेज कदम से आगे बढ़ रही थी। स्कार्फ अच्छी तरह लपेट रखा था, ढके छुपे लिबास में मलबूस, हाथ में एक शॉपिंग बैग पकड़ा रखा था। माथे से पसीना साफ करते हुए एक बड़े से गेट के सामने रुकी थी, जहाँ मलिक हाउस की नेम प्लेट लगी हुई थी। चौकीदार ने उसको देख के दरवाज़ा खोल दिया था। वो सलाम करती आगे बढ़ गई। वसी राहदारी जिसके अतराफ में घास और पौधे लगे हुए थे, वो सीमेंट की रविश पे से गुजरती मेन गेट के सामने जा रुकी। इससे पहले कि वो अंदर दाखिल होती, दाएं तरफ से कोई चीज आके उसके सर पे जोर से लगी थी। वो कराह उठी थी और डर के नीचे बैठ गई थी। चोट इतनी अचानक और शदीद थी कि उसकी आंखों में नमी आ गई। तभी उसकी बाई तरफ से एक लड़का नमूदार हुआ, जो इस वक्त शॉर्ट्स में मलबूस था। हाथों में रंग बिरंगे कई ब्रांड्स पहन रखे थे, बालों को एक अलग स्टाइल में ही खड़ा किया हुआ था। वो अपनी बास्केटबॉल को, जो उस लड़की को सलामी पेश कर चुकी थी, साइड पर रखते उसके सामने बैठा था। आर यू ओके कज़िन, वलीद ने उसका माथे पे धरा हाथ पकड़ के पीछे किया। दानिया दुबक के पीछे उठी। व्हाट द हेल, मुझे देखने दो, कहाँ लगी है, वलीद नागवारी से बोला। नहीं, आप रहने दे, वो मनमनाई थी। तुम ऐसे कर रही हो जैसे आग ने तुम्हें छू लिया हो, नागवारी से चीखा था। हाँ, ना महरम का छूना ऐसा ही होता है, जैसे आग छू जाती है। वो अपनी चोट की परवाह ना करते हुए उठ गई थी। माथे पे लाल निशान पड़ चुका था। गो टू हेल, वलीद चीखता वहां से चला गया। वो शुरू से ही दानिया की इन हरकतों से चिढ़ता था। ये इनके बाकी कजिन से बहुत मुख्तलिफ थी। अपने आप में रहने वाली, खुद को संभाल संभाल के रखती थी, जबकि बाकी सब मन मोजी, वक्त के साथ जमाने के साथ चलने वाले, इसलिए अक्सर उसको बुढ़ी रूह का खताब दे चुके थे। मगर वो फिर भी ना बदली थी। वो शॉपर पकड़ती अंदर दाखिल हुई, जहां वो जलता भुनता गया था। सामने महफिल लगी हुई थी। पप्पू और दादी के साथ वलीद भी वहीं बैठा हुआ था। वलीद दादी के साथ सोफे पे बैठा
कम लेटा ज्यादा हुआ था। बबल चबाते हुए मोबाइल पे उंगलियां चल रही थी और सुबान हाजरीन की बातों के जवाब पे चल रही थी। ले दे दी है एंट्री जमाने कदीम ने। वलिद की जुबान दानिया को देख के फिसली थी। अस्सलाम वालेकुम, दानिया ने सबको सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, आओ दानी बेटा। फुप्पो सानिया ने उसको देख के बाजू फैला दिए थे। वो उनसे प्यार से मिली थी और फिर वो दादी की तरफ मुड़ी। दादो आपने कब घर आना है? मेरा बिल्कुल नहीं दिल लगता घर। दानिया रूहां सी हुई। एक्सक्यूज मी, मेरी नानो ने तुम्हारा दिल लगाने का ठेका नहीं ले रखा। हमारा भी उन पे कोई हक है? वलीद फिर मैदान में कूदा था। दादो, वो शिकवा कुना नजरों से दादी को देख के बोली थी। अरे दानी क्यों दिल छोटा करती हो? मैं आ जाऊंगी घर, बस ये वली जिद करने लग गया है तो मैं रुक गई। दादी ने उसको मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए कहा था। एहसान और फातिमा कैसे हैं? दादू ने अपने बहू और बेटे के बारे में पूछा था, जो दोनों ही आपको मिस करते हैं। और अजलान अपने एग्जाम्स में मसरूफ है आजकल, दानिया ने तफसील बताई थी। तभी वलीद का मोबाइल बज उठा था और दानिया बातों में मसरूफ हो चुकी थी। मामा आई एम गोइंग आउट विद माई फ्रेंड, सी यू सून, वली ने दानिया से बात करती हुई मामा को इत्तला दी थी। तभी उसका हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल फिर से बज उठा था। हाय लिजा, कमिंग डियर, ओके बाय। गाड़ी की चाबी उठाते हुए बाहर की जानब बढ़ गया और दानिया के दिल में आया कि अपनी फुप्पू से पूछ ही ले कि आज वो उसको इस तरह ओल जुलूल रहन सहन से टोकती क्यों नहीं। फिर वो अपनी सोचों को झटकती दादी की जानब मुतवज्जे हो गई। कैंपस में हर रोज की तरह गहमा गहमी उरूज पर थी। हर कोई अपनी लाइफ में मगन था, हर एक पे अलग धुन सवार थी। दानिया ने रोज की तरह आज भी सर को हिजाब के साथ ढांपा हुआ था। स्टाइलिश से कुर्ते में मलबूस नरम व नाजुक कम उम्र कली ही मालूम हो रही थी, मगर वो अपने आप को समेट के रखने की कायल थी। वो अपने ध्यान में चल रही थी तभी डिपार्टमेंट की तरफ मुड़ता हुआ उसकी टक्कर लीजा से हुई थी। मुड़ते हुए उससे पहले कि वो जमीन बोस होती, सामने से आता वलीद उसको कलाई से थाम गया। दानिया टक्कर से ज्यादा वलीद की गिरफ्त से घबरा गई थी। वलीद ने भी उसका घबराना नोटिस किया था और उसको एक जबरदस्त घूरी से नवाजा था और उसका हाथ छोड़ दिया था। नतीजतन वो दीवार से जा टकराई थी। कांटे नहीं लगे मुझे, गिरो, बहुत शौक है ना गिरने का, वलीद ने उसको खुमखवार नजरों से घूरा था। उसको हमेशा दानिया के इस रवैये से शदीद गुस्सा आता था और लीजा की तरफ मुतवज्जे हो गया। आर यू ओके, वलीद ने लीजा से पूछा था, जो इस वक्त जींस और शर्ट में मलबूस दानिया को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। आई एम ओके, डोंट यू वरी, लीजा वलीद की इस तवज्जो पे निहाल होते कह रही थी। एंड यू, आंखें किधर होती है? चलना नहीं आता तो यूं ही क्या लेने आती हो? मुंह उठा के लीजा फट पड़ी थी और दानिया एक हाथ से अपनी कलाई को थामे चुपचाप खड़ी थी। लेट्स गो लीजा, वलीद ने झिंझलाते हुए कहा और लीजा को लेते आगे बढ़ गया। दानिया की आंखों में आंसू तैर गए थे और सफेद रंग सुबकी से अब गुलाबी हो गया था। तभी पुश्त से आने वाली आवाज पे दानिया ने आंसू पिए थे। अस्सलाम वालेकुम, हशाश बशाश से आवाज आई थी। वालेकुम अस्सलाम, आज देर से क्यों आई? दानिया खुद पे कंट्रोल करती आवाज पे मुड़ी थी। आने वाला दानिया का मामूसात फैज था, गोया हमारी कमी कोई महसूस कर रहा था। फैज ने उसको छेड़ा था, अब ऐसी भी बात नहीं, चले लेट हो रहे हैं क्लास के लिए। दानिया ने घूरा था, चलो बिल्ली, फैज ने हंसते हुए घड़ी पर नजर दौड़ाई जो वाकई लेट होने का चीख चीख कर ऐलान कर रही थी और दानिया की कलाई पकड़े आगे बढ़कर ये मंजर किसी की आंखों में चुभा था। एहसान और सनिया जीनत बेगम की दो औलादें थी। जीनत बेगम के शोहर बशारत का इंतकाल उनकी शादी के 10 साल बाद हो गया था। उनके बाद अकेले ही बच्चों की परवरिश की। उनका खानदानी कारोबार था जिससे उनको ज्यादा माली मुश्किलात का सामना ना करना पड़ा। ऑफिस में मैनेजर अता अर रहमान साहब एक ईमानदार इंसान थे जिन्होंने उनका भरपूर साथ दिया और जैसे ही एहसान पढ़ाई से फारिग हुआ, जीनत ने खुद को कारोबारी मसाइल से निकाल के सारा काम अपने बेटे के हाथ में सौंप दिया जिसने सब कुछ अकलमंदी से संभाल लिया था। जीनत बेगम ने अपने बच्चों को कम उम्र में ही बिहा दिया। दोनों बच्चों की शादियां शहर में ही हो गई। वो दोनों भी अपने जिंदगी मुतमईन थे। एहसान साहब और फातिमा बेगम के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी मिन्हा थी जिसकी शादी उसके क्लास फेलो से हो गई थी। उससे छोटी दानिया थी और सबसे छोटा मोइस था। सनिया और मुस्तफ़ा की कुल कायनात उनके 2 बच्चे अहमर और वलीद थे। अहमर एक फॉर्म में अच्छी पोस्ट पे था। सनिया की दोस्त की बेटी से उसकी बात तय हो चुकी थी जबकि वलीद साहब अभी अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करने
बल्कि बकौल मुस्तफ़ा साहब के बेजा इंजॉय करने में मसरूफ थे। वली जला भुना माँ के हुक्म की तामील के लिए एहसान साहब के घर का गेट उबूर कराया। सामने का मंजर उसको मजीद भड़काने के लिए काफी था। दानिया लॉन में शोर मचाती भाग रही थी और फैज उसको पानी की बाल्टी हाथ में लिए भिगोने के चक्कर में पीछे भाग रहा था। धूप की तमाजत से सफेद रंगत सुर्खी मायल हो चुकी थी। दुपट्टा जो हमा वक्त सर पर रहता था अब एक तरफ ढलका हुआ था और चेहरे से मुस्कुराहट जुदा नहीं हो रही थी। कुछ वो थी कम उम्र, गुलाबी रंग के खुले फ्राक में इस वक्त नाजुक कली लग रही थी। वली तो फैज और दानिया की बेतकल्लुफी पे दांत पीस के रह गया था। होश तो तब आया वली को जब फैज उसको कलाई से पकड़ चुका था और अपने बचाव के लिए फैज के सीने पे हाथ मारती उसकी गिरफ्त में मचल रही थी। ये क्या हो रहा है यहाँ? वो एक लम्हा साय के बिना आगे बढ़ा और उनके सर पे जाके गरजा था। वो दोनों चौंके थे। दानिया की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। अरे तुम वली, आओ तुम भी, हम इतना इंजॉय कर रहे हैं, फैज ने कहा था। वो तो मैं मुलाहिजा कर चुका हूँ इंजॉयमेंट के मनाजिर, मगर मैं यहाँ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं आया। वली ने अल्फाज पे जोर देते निगाहों का मरकज दानिया को बनाया था जो वली की आमद से झुंझला गई थी। जमाना कदीम? अरे नहीं नहीं, अब तो आपको जमाने जदीद कहना बेहतर होगा। अगर आपको फरागत नसीब होगी वो तो मामा आपको बुला रही है, मैं अंदर जा रहा हूँ, 5 मिनट में हुलिया दुरुस्त करके आ जाओ, वलीद कहता आगे बढ़ गया। इसको क्या हुआ है? फैज ने वली की पुष्ट को देखते दानिया से पूछा था। ये ऐसे ही है, मैं जरा चेंज कर लूँ, पप्पू ने बुलाया, खैर हो? दानिया फैज को कहते खुद भी अंदर की तरफ बढ़ गई जहां से अभी वली अंदर गया था। जानती थी अगर वो जरा भी लेट हुई तो कैसा वावेला मचा देगा। ठीक 5 मिनट बाद वो बगैर किसी पैगाम के नीचे लॉन में थी जहां वो फैज और मामा के साथ बैठा ठंडे मिजाज के साथ ठंडा जूस पी रहा था। बस मेरे साथ ही आग उगलनी होती है, दानिया ने सोचा था। उस वक्त वो ब्लैक प्लेन शर्ट और जीन्स में मलबूस था, वाइट स्नीकर्स पहने हुए थे, पैंट को थोड़ा सा फोल्ड किया हुआ था, हाथों में घड़ी और एक बैंड था, बालों को एक स्टाइल से सेट किया हुआ था जो उसको बहुत भाता था। चले वो मानी, इजाजत दे, मामा वेट कर रही होंगी। दानिया को खड़ा देखा तो वलीद इजाजत लेता उठ खड़ा हुआ था। एक उचड़ती नजर उस पर डालता वो बाहर निकल गया। दानिया माँ को खुदा हाफिज बोलने और जल्दी आने की यकीन दहानी करवाते बाहर निकली थी, जिसमें 2 मिनट और 30 सेकंड बा आसानी लग गए थे। वो गेट के पास खड़ा शदीद गुस्से में था। मसला क्या है तुम्हारे साथ महारानी साहबा? अगर नहीं था जाना तो अपनी फुप्पू को कह देती कॉल करके कि आप आज बहुत मसरूफ है, फैज साहब तशरीफ लाए हुए हैं। अब शुरू हो चुका था, फैज का यहाँ क्या जिक्र, और मैं चल तो रही हूँ अब। दानिया भी उसकी बिलावजह गुस्सा होने पर चिड़ते बोली थी, मेहरबानी होगी अगर जल्दी चल पड़ेगी आप, मैं गाड़ी लेके नहीं आया और वैसे भी मुझे और हजारों काम है, वलीद ने इस दोशीजा के चेहरे पर नजर दौड़ाते हुए कहा था। तो आप ना आते मैं खुद आ जाती, दानिया ने उसको हल बताया था। मैं भी कोई शौक से नहीं आया था, मामा के डांटने पे आया था, कह रही थी बच्ची अकेली कैसे आएगी, उनको ये नहीं पता बच्ची खासी एडवांस हो चुकी है, वलीद ने गेट से बाहर कदम रखते हुए कहा। क्या एडवांस एडवांस की रट लगा रखी है, मैं ऐसा क्या किया मैंने? दानिया ने एतराज बुलंद किया। बात सुनो, ये जो तुम बात बात पे जवाब देने लग गई हो ना, शदीद गुस्सा आता है मुझे, पहले तो तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं थी। ये फैज साहब के जो तुम पे फैज हो रहे हैं ना, उन पे कंट्रोल पालो, तुम जमाने कदीम ही अच्छी लगती हो। वलीद को पता नहीं क्यों इतनी तप चढ़ चुकी थी। देखे मुझे इस नाम से मत बुलाया करे, तानिया को इस सारे जुमले में इस बात पे एतराज हुआ था, वो मुंह फुला के बोली थी। अच्छा किस नाम से? वली और वो इस वक्त सड़क के किनारे चल रहे थे, दोनों के घर वॉकिंग डिस्टेंस पे ही थे और मुंह फुलाती पसीना साफ कर रही थी। दोपहर का वक्त था, यही जो कुछ देर पहले आप कह रहे थे, ये भी भला कोई नाम हुआ? मुंह फुलाए वो छोटी सी बच्ची लग रही थी। एक पल को वलीद इस मंजर में खोया था। काश कि मैं गाड़ी लेके आता, वलीद झुंझलाया। बस थोड़ा सा ही रह गया घर, अब तो मैं तो पैदल आने जाने की ही आदी हूँ, दानिया ने कहा था, साथ ही पाँव से पत्थर टकराया था। इससे पहले कि जमीन बोस होती वलीद ने उसको पकड़ा था। सीधे होते दानिया ने अपना बाजू छुड़वाया। यकीन करो जहर लगती मुझे ये हरकत करती, अगली बार मेरे सामने जहां मर्जी गिरना, बचाऊंगा नहीं मैं। फैज जब तुम्हें छूता है तब तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती। वो बीच सड़क में खड़ा बास प्रस पे उतर आया था। दानिया तो मोंचका रह गई थी, निचला होंठ बुरी तरह दांतों से चबा रही थी। आप गलत बात कर रहे, फैज को हर बात में क्यों लेके आते हैं आप? दानिया को एतराज था जिसका सबूत उसकी शहद रंगी आंखों में तैरता पानी था। अब तुम हर बात में उसकी हिमायत क्यों करती हो? वली की आवाज़ बुलंद हुई थी। देखे
हम बीच सड़क में खड़े हैं, लोग क्या सोचेंगे? दानिया मनमनाई थी और इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, जहां कोई भी नहीं था। इतनी गर्मी में कोई पागल ही होता जो उन सरफरी लोगों की लड़ाई से लुत्फानंदोज होने यहाँ था। मुझे क्या मेरी बला से, ना तो मैं जेलिस हूँ तुम्हारे उस फैज से। जो मर्जी करो मगर मेरे सामने मासूम बनने की एक्टिंग मत किया करो, आई समझ? चलो, वलीद कहता उसका बाजू पकड़े उसको अपने साथ ये तेज तेज घर की तरफ रवाना हो गया। मुस्तफ़ा हाउस में आज खुशी का माहौल था। दानिया इस खुशी में सबसे आगे आगे थी। दानिया एहसान भाई की फैमिली को पहले मधु कर चुकी थी, क्योंकि भाई के बगैर उनकी खुशी अधूरी होती थी। वलीद का दुदियाल और ननियाल सारा इकट्ठा हुआ था। अहमर की डेट फिक्स हो गई थी। दानिया तो अहमर के सर हुई पड़ी थी कि ट्रीट दे। ठीक 20 दिन बाद अहमर और फिलजा की शादी तय पा गई थी। फिलजा सनिया की दोस्त की बेटी थी, सुलझी और धीमे मिजाज वाली लड़की थी। वलीद साहब अपने दुदियाल वालों के साथ अलग महफिल जमाए बैठे थे। उस दिन के बाद वलीद का उससे सामना ना हुआ, वो अपने दोस्तों में ही मसरूफ रहता था। बड़े अलग महफिल जमाए बैठे थे, उनके करीब अहमर और दानिया बैठे हुए थे। अहमर को शुरू से ही दानिया बहन की तरह अजीज थी, सादी और मासूम सी थी। उसे आज भी याद था कि जब वो छोटी होती थी तो कैसी अहमर उसको उठाए फिरता था, उसके नाज नखरे उठाता था। आज वो ऐसे ही अपने लाड उठवाती थी अहमर से। अहमर भैया, दानिया की हल्की सी आवाज़ उभरी थी। जी गुड़िया, अहमर ने मोबाइल से नजरें उठाकर उसकी जानब देखा तो उसकी आंखों में नमी देख के परेशान हो गया। दानी बेटा, मैं मजाक कर रहा था। चलो उठो, तुम अभी ट्रीट ले लो जहाँ कहोगी, मगर रोना नहीं, अहमर ने अपनाइया से कहा। मैं ट्रीट के लिए नहीं रो रही, दानिया ने मुंह बस भरा। तो फिर क्या हुआ? अहमर उलझा था। आप शादी के बाद बदल तो नहीं जाएंगे ना, वही पुराने अहमर भाई रहेंगे ना? दानिया अहमर की तरफ देखते हुए बोली थी, क्योंकि भाई नहीं खोना चाहती थी। अरे पगली, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? भला अहमर अपनी गुड़िया को भूल सकता है? अहमर ने उसके आंसू साफ करते हुए साथ लगाया तो वो रोते हुए हंस पड़ी। अजीब धूप छाव का मंजर इस दोशीजा के मुखड़े पे उभर डूब रहा था। मामा देख ले अपनी बेटी के काम, रो रही है कि कहीं इन मोहतरमा का अहमर भैया शादी के बाद बदल ना जाए। अहमर ने हंसते उसकी नाक खींची थी। अरे मेरी बेटी तो क्यों परेशान होती हो? अगर उसने ऐसी कोई कोशिश भी की तो हम दोनों मिलकर उसका हशर बुरा कर देंगे, सानिया ने उसको मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए कहा। तो दानिया ने जोर जोर से हाँ में सर हिलाया, तब उसके इस अंदाज में हंस दिए थे। मई की गर्मी की शिद्दत आज ठंडी हवाओं से कदरे कम हुई थी। सुबह से ही मौसम अबर आलूद था, ठंडी हवा चल रही थी जो तबीयत पे अच्छा असर डाल रही थी। इंसान तो इंसान, परिंदे भी इस तब्दीली पे खुश नजर आ रहे थे। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पे भी ये मौसम अच्छा गया था। टोलियों की सूरत में हर तरफ स्टूडेंट्स फैले हुए इस मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे थे। इनमें से ही एक ग्रुप वलीद मुस्तफ़ा का था, जो यूनिवर्सिटी का जाना माना ग्रुप था। इस वक्त वो अपने ग्रुप में बैठा अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू जगा रहा था, जिसपे हसीनाएं आहें भर भर के आधी रह गई थी। हर दूसरे लड़की का ख्वाब या अमीर ज्यादा था। वो अपनी अजली ओल जलूल हुलिये में बेफिक्र बैठा इस माहौल को मजीद गर्मा रहा था। दानिया ठंडी आ भरती इस मंजर से नजरें चुराती आगे बढ़ गई। आज भी दिल में यही सवाल उभरा था, हर बार की तरह, बिना जाने किस पे चले गए हैं। उनके खानदान में कोई इतना मनमोजी ना था जितना ये इंसान था, मगर वो सिर्फ सोच सकती थी। इससे कहने की हिम्मत ना थी उसे और ना ही जरूरत, मगर वक्त के साथ जरूरतें बदलती रहती है। कौन जाने अब कैसा वक्त किस पे आने वाला है। अहमद दानिया को कुछ भी बताए बगैर गाड़ी में बिठा लाया था। वो पूछती रह गई थी, आखिर हम जहाँ कह रहे हैं? दानिया ने कोई 200 बार ये सवाल पूछा था। गुड़िया, इतनी जल्दी तुम कैसे भूल गई? मुझे तुमसे उम्मीद तो ना थी, अहमद ने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई थी। अहमर भाई बता देना प्लीज, दानिया ने इसरार किया। क्यों बताऊं मैं? तुम मुझे कहती हो कि मैंने शादी के बाद बदल जाना है, तो तुम तो खुद अभी से बदल गई हो, इतना अहम दिन भूल गई हो। अहमर ने उसको कहा था, आखिर कौन सा दिन है? ना तो आपकी सालगिरह है, ना मेरी है, बल्कि हमारी फैमिली के किसी भी मेम्बर की आज बर्थडे नहीं है, ना किसी का रिजल्ट आना था आज। तो फिर उंगलियों पर गिनती अंदाजे से बोल रही थी। हा हा हा, दानी अपने धन्ने से दिमाग पे और जोर डालो जरा, आज डेट क्या है भला? अहमद ने उसका रूहान सा चेहरा देख के कहा था। आज डेट तो, हाँ डेट 3 मई है, दानिया ने मोबाइल से देखते हुए कहा। हाँ 3 मई तो है, तो क्या अभी भी याद नहीं आया? अहमद ने उसको घूरा था। 3 मई मतलब कि हाँ हाँ, सनिया फूफा मुस्तफ़ा अंकल की एनिवर्सरी, ओह मैं कैसे भूल गई। दानिया पुरजोश उठी थी। जी बिल्कुल, अब हम उनके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं, तो शॉपिंग तो लाजमी है ना, अब आई समझ? अहमद ने उसको देखते हुए कहा। रियली मैं इतनी बुद्ध हूँ, भूल कैसे सकती हूँ? दानिया को खुद पे गुस्सा आया। आज पता चला है तुम्हें, अहमद ने उसको कहा था। अपनी बात मजाक उड़ाए जाने पे वो
चीखी थी। अहमद हंस दिया था। चंद मिनट की ट्रायल के बाद वो एक मॉल में पहुंच गए थे। अहमद दानिया को लेकर सेकंड फ्लोर पे आ गया। सामने ही बेजार खड़ा वलीद नजर आया। उसने भाई को देख के हाथ हिलाया था। ये भी शॉपिंग के लिए आए हैं क्या? दानिया उसको देख के गड़बड़ाई थी। उस दिन की बहस के बाद अब मुलाकात हो रही थी। जी बिल्कुल, अहमद ने हंसते हुए कहा। यार भाई कब से वेट कर रहा हूँ, कहाँ रह गए थे? वलीद ने दानिया को इग्नोर करते हुए भाई से पूछा था। सांस लो, बस दानिया को पिक करने में थोड़ा वक्त लगा, अहमद ने कहा था। उनकी आमद कोई इतनी जरूरी भी नहीं थी, वलीद ने नागवारी से कहा था। दानिया इस इज्जत पे पहलू बदल के रह गई। बिल्कुल जरूरी थी, मामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगना था अगर इस सरप्राइज में उनकी बेटी शामिल ना होती, अहमद ने कहा। अगर उसकी शान में कसीदे पढ़ ले तो चले भाई, वलीद के लहजे में अब भी नागवारी थी। फिर सारा वक्त वलीद दानिया के राय के उल्टा करता रहा। जो चीज़ दानिया को पसंद आती वो रिजेक्ट हो जाती थी, और वो अपनी पसंद की हर चीज़ ले रहा था। मुझे क्यों लाया गया था फिर साथ? दानिया ने अब एहतजाज बुलंद किया। मैं हरगिज नहीं था लाया, वलीद कहाँ कम था। वलीद अब तुम्हारी आवाज़ ना आए, अब सारी शॉपिंग दानिया की पसंद की होगी, अहमद ने अब के वलीद को डपटा था। वलीद को हार मारनी पड़ी। फिर वो आंखों ही आंखों में दानिया पे गुस्सा उंडेल रहा था, जिसकी इस वक्त दानिया को कोई परवाह ना थी। लॉन को पूरी तरह से रोशनियों में नहलाया गया। हर तरफ रंग बब्बू का माहौल, मेहमानों की चहल पहल थी। सनिया और मुस्तफ़ा इस सरप्राइज पे खिल उठे थे। दानिया के घर वाले समेत फैज ने भी महफिल में शिरकत की थी। फैज की शिरकत किसी एक पे बहुत गिरा गुजरी थी। दानिया ब्लैक कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहने हुए, ब्लैक बारीक स्टफ के दुपट्टे पे नफीस सा काम हुआ था। मेकअप में सिर्फ लिपस्टिक लगाई हुई थी। दुपट्टा एक तरफ कंधे पे डाला हुआ था। गुलाबी रंगत जगमगा रही थी। महफिल ऊंच पे थी। वलीद अपने दोस्तों के साथ एक कोने में रखी टेबल्स में बैठा हुआ था। खाना सर्व हो चुका था। कुछ ही देर में महफिल की रौनक मान पड़ना शुरू हो गई, मगर वलीद के दोस्त वहीं बैठे गप्पे लगा रहे थे। कब से चुप बैठा वलीद का दोस्त फरहान बोल ही पड़ा। यार ये ब्लैक सूट वाली तितली कौन है? फरहान ने दानिया को खास नजरों से देखते हुए कहा। ये वलीद की कजिन है, अपनी यूनी में ही पढ़ती है, लीजा ने नागवारी से कहा था, जो वलीद के पहलू में स्लीवलेस शर्ट और प्लाजो में मलबूस जमी बैठी थी। मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा, किस कदर बेवकूफ हूँ मैं, लीजा को आंख मारते हुए फरहान ने कहा। वलीद का रंग बदला था। यार वलीद मेरी सेटिंग ही करवा दो उससे, उसको देख के गर्ल ग्रैंड वाली फीलिंग्स आ रही है। फरहान ने अब तमाम हदें पार करते वलीद को छेड़ दिया था। बस बकवास बंद करो, अगर एक भी लफ्ज तुम्हारे मुंह से और निकला तो यहाँ दफन कर दूंगा। वलीद का सन्नाटेदार थप्पड़ उसको चुप करवा चुका था। वलीद सुर्ख आंखों से उसको घूर रहा था। वलीद तुम होश में तो हो? लीजा ने वलीद के हाथों से फरहान का गिरेबान छुड़वाया, जो उसको खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। मेहमानों की गहमा गहमी भी कम हो चुकी थी। कुछ वो एक अलग कोने में था, कोई भी उनकी तरफ मुतवजे ना था। तुमने उसकी खातिर मुझे थप्पड़ मारा, अपने दोस्त को? फरहान ने खुंखवार नजरों से वलीद को घूरते हुए पूछा था। शुक्र करो अभी सिर्फ थप्पड़ मारा है, मजीद बकवास की तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वलीद ने उसको उंगली उठा के वॉर्न किया था। तुमने अच्छा नहीं किया, फरहान ने उसको घूरते हुए कहा और गुस्से से वहां से निकल गया। वलीद वो बहुत गुस्से में गया, रोको उसे, लीजा ने उसको एहसास दिलाया था। तुम भी जा सकती हो। वलीद जो उस वक्त भिपरा बैठा था लीजा पे भी बरस पड़ा था। गुस्से में तुम्हारी अकल पे पर्दा पड़ जाता है, उस लड़की की वजह से तुम अपने दोस्तों से लड़ रहे हो, अनबिलीवेबल। जब गुस्सा उतरेगा तुम्हारा फिर बात करते, लीजा उसको तासुस पे देखती अपनी बात कह के फरहान के पीछे चली गई। बाकी ग्रुप के लोगों ने भी इजाजत चाही थी, जो सारे वक्त में खामोश तमाशाई बने हुए थे। वलीद जो कब से खुद पे कंट्रोल कर रहा था, बिलाखिर उस साहिरा को सामने देख के मजीद आग बगुला हो गया था, मगर वो फैज और अहमद के साथ खड़ी गप्पे हाँक रही थी। वलीद ने अपना ब्लैक कोट उतार के कुर्सी पे फेंका और ब्लैक शर्ट के ऊपरी बटन खोल के गुस्से की खोलन को कम करना चाहा। वो इसकी वजह से अपने दोस्तों से उलझ पड़ा। एक पल को खुद पे शदीद गुस्सा आया, मगर अगले ही पल खुद को हक बजानी समझते हुए दानिया को खुखवार नजरों से देखा था। तैयार शैयार खड़ी थी जो, कुछ सोचते हुए गुस्से में खोलता उसके सर पे पहुंचा। बात सुनो मेरी, वलीद ने मुमकिन हद तक खुद को नॉर्मल करते हुए दानिया को कहा। कौन मैं? दानिया ने हैरत से पूछा था। अभी आज ही की तो बात थी, शॉपिंग पे कैसे दानिया से उखड़ा उखड़ा था, कौन सा काम आ पहुंचा था? बिल्कुल, वलीद ने दांत पिसते हुए कहा। जाओ बात सुन लो, मैं और फैज अंदर चाहते हैं, मेहमान तो सब चले गए, तुम लोग अभी आ जाना, चाय पीते एक साथ। आओ फैज, अहमद फैज को कहते हुए अंदर साथ ले गया। तुम इधर आओ जरा, वलीद ने उनको जाता देख के उसकी कलाई पकड़ी और पुरसकून गोशे में ले आया। वो सरापा एहतजाज थी। छोड़ो मेरा हाथ, दानिया चीखी थी। अभी कुछ देर पहले जो उस फैज से चिमटी खड़ी थी, तब किधर गई थी तुम्हारी पारसाई?
वलीद उससे भी बुलंद आवाज में चीखा था। वलीद की आंखें सुर्ख हो रही थी, ब्लैक शर्ट पहन रखी थी जिसके ऊपरी बटन खुले थे और कुशादा सीना नजर आ रहा था। आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दानिया को उसकी सहनी हालत पर शुबा हुआ। वलीद ने उसको कलाई से खींच के पास किया और उसके बिखरे बाल कान के पीछे किए थे। अभी तुम्हें समझा ही कहा है। वलीद ने उसके कान में सरगोशी की थी। दानिया दुबक के पीछे हटी थी। उसके उस ग्रेस पे वलीद का कहका पड़ा था, जितना मर्जी दूर भाग लो, वापस इन्हीं पनाहों में आना होगा। वलीद ने दानिया का मासूम चेहरे को देखते हुए अजीब अंदाज में कहा था। वलीद इस वक्त अपने हवासों में ना था, उसको इस बात की समझ भी ना थी कि वो क्या कह रहा है। दानिया से खार खाने वाला वो हमेशा से दूर भागता था। बुढ़ी रूह जमाना कदीम जैसे अलकाबाद से उसको बुलाता था। गुस्सा वलीद के हवासों पर सवार था। दानिया की आंखों में आंसू चमक पड़े थे। आप क्या बोल रहे हैं। चिड़िया का सा दिल रखने वाली नाजुक सी दानिया उसकी हालत पे परेशान होती रोने को थी। वलीद ने उसके गुलाबी पंखड़ियों जैसे होंठों को हिलते देखा। अल्फाज पे कुन कब धरे थे। तभी एक ख्याल बिजली की सी तेजी से उसके दिमाग में कूदा था। इसकी वजह से मुतवज्जे हुआ होगा, वलीद ने सख्ती से कहते हुए जबड़े भेजे थे। दानिया परेशान खड़ी उसकी गुफ्तगु समझने की कोशिश कर रही थी। वलीद ने हाथ बढ़ाकर उसके नाजुक लबों पर लगी लिपस्टिक बेदर्दी से रखकर डाली। वलीद भाई क्या कर रहे हैं आप। दानिया चीखी थी, चुप, आवाज ना आए मुझे तुम्हारी। वलीद ने उसको सख्ती से चुप करवा दिया। अब उसकी नजर दानिया के कानों में झूलते आवेजों पर जा टिकी। वो वाकई इस वक्त हुस्न का पैकर लग रही थी, कम उम्र दोशीसा। वलीद ने खुद को डपटा था। अगले ही पल हाथ बढ़ाकर उसके कानों से आवेज निकाल लेते। जाओ अब, आइंदा मुझे तुम इतनी सजी सॉरी नजर ना आना, जैसे हो वैसे ही रहो। आई समझ, वलीद ने उसको वॉर्न किया। आप बहुत बुरे हैं। दानिया उसकी हरकतों पे खायफ होती चीखी थी। अंदर जाओ इससे पहले कि मैं कुछ और कर बैठूं, वलीद ने कहा था। दानिया आंसू साफ करती अंदर को भागी। वलीद ने मुट्ठी को खोला था जहां नन्हे मुन्ने से ट्रेडिशनल आवेज जगमगा रहे थे। इसने झुमके अपनी पैंट की पॉकेट में डाल दिए थे। दिन गुजर रहे थे, गर्मी ने भी जोर पकड़ा हुआ था। वलीद यूनिवर्सिटी से आके अपने दोस्तों के साथ चला जाता था। आज भी वो क्लब से वापसी पे देर से आया था तो सनिया और अहमर एनिवर्सरी की पिक्स खोले बैठे थे। एल्बम आज ही आया था। अस्सलाम वालेकुम, वलीद ने सोफे पे गिरते हुए भाई और माँ को सलाम झाड़ा था। वालेकुम अस्सलाम, मिल गई फुर्सत घर आने की, सनिया ने उसको डपटा था। आपको पता तो है जिम जाना होता है, वलीद ने मुंह बनाया। मामा ये पिक देखे जरा, सबसे प्यारी दानिया ही लग रही है। अहमद ने एक तस्वीर सनिया के सामने की थी। हाँ माशाल्लाह, मेरी बेटी है ही प्यारी, ऐसे तो नहीं हमदानी साहब ने अपने बेटे के लिए रिश्ता भेज दिया, सनिया ने अहमद को कहा। साथ बैठे वलीद को करंट सा लगा। किसका रिश्ता, वलीद ने हैरत से पूछा था। तुम घर रहो तो अब फिर ही तुम्हें कुछ खबर हो, अहमद ने हंसते हुए कहा। बताए तो, वलीद ने पहलू बदला। अरे अपने दानिया के लिए हमदानी साहब के इकलौते बेटे का रिश्ता आया है। वो तो अहमद के साथ ही दानिया का निकाह अपने बेटे साहिल से करना चाह रहे हैं। इस बात को तो हफ्ता होने को है, तुम तो अपनी दुनिया में मस्त घूमते हो। बस सनिया ने तफसील बताने के साथ वलीद को भी लुटाया था। आप बड़े लोग पता नहीं इतने अजीब क्यों होते, ऐसे कोई शादी होती है किसी के घर फंक्शन पे आए तो लड़की पसंद कर गए और किसी और की शादी पे ही अपनी शादी फिक्स कर ली। किस जमाने में आप लोग रह रहे हैं, वलीद की मंतक निराली थी। हाँ जी तुम तो इस जमाने के हो, हमें तो अजीब ही रहने दो। और तुम जो किसी किसी की शादी कर रहे हो ना, ये उसके भाई की शादी है। अहमद ने ही कहा था कि रिश्ता अच्छा है, अगर वो लोग निकाह को भी कह रहे हैं तो क्यों ना एक साथ शादी कर ली जाए, वैसे भी वो कौन सा रुखसती मांग रहे। सनिया ने पिछले हफ्ते में पकने वाली खिचड़ी की तफसील बताई थी। वलीद को अपना दिमाग घूमता महसूस हुआ। अजीब गुस्सा उसको अपने अंदर शोर मचाता महसूस हुआ जो उसका सुकून बर्बाद कर रहा था। मुझे शादी वाले दिन ही बता देते आप लोग, वलीद गुस्से में कहता उठ के अपने कमरे में चला गया। अजीब लड़का है, उसके जाने के बाद सनिया ने परेशानी से कहा था। हो जाएगा ठीक, पता तो है आपको उसका, अहमद ने तसली दी थी। कमरे में आने के बाद शर्ट उतार के गोला बना के बेड पे फेंकी थी। उसको अपने गुस्से की समझ नहीं आ रही थी, अजीब बेचैनी सी हो रही थी। वॉशरूम में घुस गया और शॉवर लेके 20 मिनट में बाहर निकला, मगर दिमाग अभी इन्हीं बातों में उलझा हुआ था। हमदानी साहब, दानिया की शादी और साहिल, मगर क्यों। तभी नजर पास पड़े मोबाइल पे पड़ी। जहन में ख्याल आया, मोबाइल को उठाया, मतलूबा नंबर तलाश करके फोन मिलाया। हेलो आपने क्यों कॉल की। दूसरी तरफ काफ़ी बेहस के बाद फ़ोन उठाया गया तो ये जवाब मौसूल हुआ था जो उसे और तपा गया। तुम्हें किसी और की कॉल का इंतज़ार था क्या, जो पहले ही गुस्से में बैठा था। दानिया की बेजारी पर चीख पड़ा। कैसी बातें करने लग गए हैं आप अब। दानिया जो अभी भी पिछली हरकत पे गुस्सा थी, आज उसकी अचानक कॉल आने पे भी चौकन्ना हो गई थी। पहले हम बातें ही कब करते थे, और मैं कहाँ क्या।
जो तुम्हें मेरी बातें ऐसी वैसी लग रही है। वलीद अपनी खोलन उसको उतार रहा था। आप बताएंगे कॉल क्यों की है, दानिया ने कहा था। मुबारकबाद देने को बड़े परपुर से निकल आए ना, वलीद ने दांत पीसते हुए कहा। किस बात की मुबारकबाद, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, दानिया ने पूछा था। अभी तो जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए, तुम्हारी मंगनी को भूल भी गई हो, वलीद ने उसकी अकल पे मातम करते हुए इतला दी। अच्छा वो अभी तो बाकायदा फंक्शन भी नहीं हुआ, दानिया ने इतला पहुंचाई थी। बड़ी खुशी चढ़ी हुई है, करवा लो फंक्शन भी बैंड बाजे के साथ। वलीद को उसकी बात पे ताव आया। और बात सुनो, क्या जल्दी है तुम्हें शादी की, कौन सी उम्र निकली जा रही है तुम्हारी, हाँ बोलो। वलीद अब असल मुद्दे पे आया था। ये फैसला मेरे बड़ों ने किया है, उनको बेहतर पता होगा। आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं, दानिया ने सुलगते हुए पूछा। मैं क्यों गुस्सा होने लगा भला, मेरी बला से। बस तुम अभी शादी से इनकार कर दो और जरा उस फैज से भी दूर रहा करो। सुना तुमने, वलीद के अहकाम की लिस्ट जारी हो गई थी। आपका दिमाग दुरुस्त है, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं, दानिया चीखी थी। शुक्र करो अभी तक ठीक है, जो कहा है उस पे अमल हो जाना चाहिए। रखो फोन अब, वलीद ने अपनी सुना के फोन बंद करने का ऑर्डर जारी कर दिया। दानिया के कुछ बोलने से पहले वलीद खुद ही फोन बंद कर चुका था, तभी दोबारा फोन बजा। ना ख्वारी से फोन उठाया था तो रीजा का नंबर जगमगा रहा था। वलीद के माथे की रगे तन गई। यस, फोन कान को लगा के लुटमार अंदाज में कहा। वलीद हद करते हो तुम, कोई इतने दिन भी अपने दोस्तों से नाराज रहता है भला, रीजा ने शिकवा किया। तुम्हें वजह भी पता है, वलीद ने जवाबन कहा। ठीक है हम मानते हैं गलती है, आज रात डिनर पे मिलते हैं, प्लीज इनकार मत करना, रीजा ने इसरार किया। ठीक है मगर वहां मुझे फरहान नजर ना आए, वलीद ने शर्त रखी। ठीक है पहले तुम आओ तो, जहां हम हमेशा डिनर करते हैं उसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं, आज रात 9 बजे, रीजा ने पुरजोश अंदाज में कहा। वलीद ने हामी भरते हुए कहा था। वलीद बेजार सा डिनर पे आया बैठा था। रीजा और उनके दो और दोस्त अमारा और जका भी थे, वो भी उनके क्लास फेलोज ही थे। पहले तो हर मौके पर वलीद सबसे पुरजोश हुआ करता था, मगर आज वो बेजार नजर आ रहा था। कितना टाइम है अभी ऑर्डर सर्व करने में, वलीद ने बेजारी से कहा। इससे पहले कि कोई जवाब मिलता, वलीद को फरहान आते नजर आया तो गुस्से से चीखा, उसको किसने बुलाया यहाँ। मैंने कहा था तुमसे लीजा, मुझे इस शख्स की शक्ल नहीं देखनी, लीजा ने गुस्से से कहा। वलीद प्लीज, वो शर्मिंदा है, लीजा ने वलीद का कंधा पकड़ते हुए कहा। आई डोंट केयर, वलीद कुर्सी परे धकेल के उठा था। वलीद आई एम सॉरी यार, तभी फरहान उसके सामने आके रुक गया। दोस्त हो तुम मेरे, गलती की थी तो अब सॉरी भी बोल रहा हूँ ना, फरहान ने उसको कहा। देखो वलीद प्लीज अब तो मान जाओ, लीजा ने भी उसकी मन्नत की थी। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी फजूल बकवास मेरे सामने की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वलीद ने वॉर्न किया। ओके बॉस, फरहान ने खुशदिली से कहते हुए उसको गले लगाया। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी, मगर अब दोस्त मुखलिस तो नहीं होते। अहमर की शादी में चंद दिन रह गए थे तो दानिया के निकाह को भी थोड़े दिन ही थे। अहमर के वलीमे पे दानिया का निकाह होना करार पाया। वलीद तो गुस्से से भरा रहता था, 24 घंटे सबको काट खाने को दौड़ता था, शादी की तैयारियों में भी कम कम हिस्सा ले रहा था। आज भी वो सोके उठा था, नीचे जाने की गर्ज से फ्रेश होके नीचे आया तो दानिया मैडम जलपा अफरोज थी। उसकी तो आज खैर नहीं, मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ था ना, वलीद ने उसको देख के कहा। वलीद खुंखार नजरों से दानिया को घूरते उसकी जानी पड़ा था, जो लॉन की सेटिंग चेंज करवाने में मदद के लिए बुलाई गई थी। तुमने मेरा नंबर क्यों ब्लॉक किया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वलीद ने उसका बाजू खींच के उसको अपनी तरफ मुतवज्जे किया। तौबा है, लोहे जैसे हाथ है आपके, दानिया ने उसकी बात को नजरअंदाज करते अपनी कलाई सहलाई थी। जो पूछा है ना उसका जवाब चाहिए, मैं गला दबाने भी मिनट नहीं लगाऊंगा, वलीद ने तैश में कहा। मर्जी मेरी और नंबर ब्लॉक करने के लिए हिम्मत नहीं, उंगली और नेटवर्क की जरूरत होती है, जो दोनों मेरे पास है, दानिया मुंह बसोड़ते हुए इतला दी। मेरे सामने जुबान मत चलाया करो तुम ज्यादा, वलीद ने उसको झिंझोड़ा था। जब चुप थी तब भी आपको मसला था, दानिया ने भी दूबदू जवाब दिया। तुमने शादी से मना किया, वलीद ने मतलब की बात की थी, आपका दिमाग दुरुस्त है ना। मैं क्यों मना करने लगी भला, दानिया ने वोवेला किया। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम्हें शादी की पड़ गई है, पढ़ना किसने है, वलीद का बस नहीं था, चल रहा था कि उसको उठा के गायब कर दे कहीं। उसको अपने खुद की समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों बेचैन घूम रहा है, जब से उसने ये बात सुनी थी अजीब बेचैनी से मुब्तला हो गई थी। उसने गौर करना चाहा तो एक आधा अधूरा उलझा सा जवाब ही मिला कि वो उसकी कजिन है, इसलिए उसको उसकी फिक्र है, क्योंकि उस लड़की का तो खुद दिमाग खराब है। देखिए मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, अब फिर साफ अल्फाज बता देती हूँ एक बार, ये मेरे बड़ों का फैसला जो मुझे कबूल है, आपको कोई हक नहीं मुझसे बार बार पास पुरस करने का, आपसे मामले से मेरे मामले से दूर रहे, वरना मैं फुप्पू से आपकी शिकायत कर दूंगी, दानिया ने साफ अल्फाज में वलीद को कहा। हक, हाँ ठीक कहा तुमने, मुझे भला क्या हक है,
मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ, ठीक वक्त पे तुमने मुझे बता दिया। हाँ बेहतर है मेरा इस मामले से दूर रहना ही बेहतर है। मैं आइंदा अपनी शक्ल तुम्हें कम से कम दिखाऊंगा और तुमने अपनी शक्ल मेरे सामने मत लेके आना आइंदा, वलीद खुद को कंपोज करते हुए बोला और आखिरी बात सख्त लहजे में कहते मुड़ गया। दानिया के तेवरों पर दंग खड़ी रह गई। 2 दिन रह गए थे शादी में। दानिया की तैयारी अपनी निकाह की कम और अहमर और फिलजा की शादी की ज्यादा चल रही थी। उस दिन के बाद वलीद से सिर्फ एक बार दानिया का सामना हुआ था। वलीद घर पे कम ही टिकता था। अगर कभी वलीद के घर होते दानिया आई होती तो कमरे से निकलता ही नहीं था, और अगर कहीं जाना होता तो पिछले दरवाजे से चला जाता। आज भी इतफाक से वलीद मामूल से जल्दी घर आ गया। अजीब बेचैनी ने उसको घेरा हुआ था जिसका हल उसने मौज मस्ती दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला निकाला हुआ था। हालांकि उसके अंदर वीरानी सी थी जिसको वह नजरअंदाज कर रहा था। लॉन में दाखिल हुआ तो वो वहीं जम सक गया। दानिया अपने निकाह का सुर्ख दुपट्टा जिसपे गोटे का नफीस काम हुआ था सर पे ओढ़े सनिया बेगम के सामने बैठी मुस्कुरा रही थी। वलीद को मांस वाये उसके चेहरे के इर्द गिर्द से कुछ नजर नहीं आ रहा था। किसी अनोखे एहसास ने अभी सर उठाना शुरू ही किया था कि कुछ आवाजें एक बार फिर से गूंजी थी। देखिये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, अब फिर साफ अल्फाज बता देती हूँ। एक बार ही मेरे बड़ों का फैसला जो मुझे कबूल है, आपको कोई हक नहीं मुझसे बार बार बास प्रस करने का। आप इस मामले से दूर रहें वरना मैं फुप्पू से आपकी शिकायत कर दूंगी। वलीद ने जोर से अपने दांत भेजे थे। ये सिर्फ मेरे दिमाग का फतूर है वरना मैं और ये लड़की कभी भी नहीं। वलीद ने अपने खोलते हुए दिमाग पे दलील का ठंडा ठार पानी फेंकने की कोशिश की। जहन से सोचों को झटकता सलाम करते सीधा ऊपर चला गया। सनिया बेगम ने भी आंख भर के अपने खूबरी बेटे को देखा था जो आजकल बुझा बुझा रहता था, मगर उनको वजह का पता नहीं था। मेरी बहुत ख्वाहिश थी मेरी बेटी हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे, सनिया बेगम ने दानिया की पेशानी को चूमते हुए नम लहजे में कहा। तो पप्पू मैं हमेशा आपकी बेटी ही रहूंगी, दानिया ने सनिया बेगम का अफसुदा चेहरा देख के प्यार से कहा था। दानिया को उनकी बात का असल मतलब शायद ठीक से नहीं पता चला था। सनिया बेगम हौले से हंसी। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे और दुनिया जहां की सारी खुशियां दे, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। सनिया बेगम ने उसको दुआएं देते हुए साथ लगाया था। बिलाखिर वो दिन आ पहुंचा। अहमर और फिलसा का वलीमा था और दानिया का निकाह था। वलीद अपने नए पैदा हुए जज्बात पे कंट्रोल पा चुका था और दिल जमई से पूरा फंक्शन एंजॉय करने के साथ साथ जिम्मेदारियां भी अंजाम दे रहा था, मगर दानिया से सामना नहीं होता था उसका। वलीद के दोस्त फरहान और अलीजे समेत सब इन्वाइट थे। आज वलीमे पे भी हमदानी साहब की फैमिली भी तशरीफ ला चुकी थी। साहिल निकाह के लिए स्टेज पे बैठा हुआ था। उस पल वलीद का दिल बेचैनी महसूस कर रहा था। स्टेज से हट गया और अपने दोस्तों के पास आके ध्यान बटाने लगा। कुछ देर पे वो तेज शोर की आवाजों पे स्टेज की तरफ मुतवज्जे हुआ। ये पार्सल कौन दे के गया था, हमदानी साहब ने गुस्से से साहिल से पूछा था जिसका हाल हमदानी साहब से कम ना था। डैड अभी एक आदमी मुझे दे के गया है कि सर अर्जेंट है, इसको चेक कर ले पहले, साहिल ने गुस्से से कहा। एहसान साहब ये सब क्या तमाशा है, हम इज्जतदार लोग हैं, हमदानी साहब ने फंकारते पार्सल एहसान साहब की तरफ फेंका था। ये क्या बदतमीजी हमदानी अंकल, मैं अपने बड़ों की बेइज्जती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। वली जो सब देखता स्टेज पे आया था गुस्से से बोला। सब मेहमान स्टेज पे होने वाली गुफ्तगू को समझने की कोशिश करने लग गए थे। बोलते हुए वलीद ने नीचे झुक के जब उस पार्सल में मौजूद तस्वीरों को देखा था तो सही मानों में उसके पांवों तले से जमीन सरकी थी। अरे आओ तुम वलीद साहब, अगर ये सब चल रहा था तो हमें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी, अबके साहिल ने गुस्से से वलीद को देखते हुए कहा जो होंग बैठा उन तस्वीरों को देख रहा था जिनको गलत अंदाज में लिया गया था और कहानी बनाई गई थी। देखो हमदानी साहब ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप समझ रहे हैं, चले बैठ के बात करते आप मेरी, एहसान साहब ने उठते हवासों को संभालते हुए कहा। अरे अब बात करने को राय क्या है, हमदानी साहब ने एहसान साहब की बात को काटते हुए कहा। प्लीज हमदानी साहब अंदर चल के बात करते, सबके सामने तमाशा मत बनाए, मुस्तफ़ा साहब वलीद को घूरते हुए आगे बढ़े और हमदानी साहब से इल्तिजा की थी। हमदानी साहब ने जब इर्द गिर्द देखा तो सब लोग मुतवजे थे। चले प्लीज, मुस्तफ़ा साहब ने उनको अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा। लोगों को मुतवजे देख के हमदानी साहब ना चाहते भी आगे बढ़ गए। आओ बेटा आप भी, भाभी आप भी आए, एहसान साहब बाकियों को भी पीछे आने की ताकीद करते आगे बढ़ गए। वलीद फटी नजरों से उन तस्वीरों को देख रहा था। ये तस्वीर एक तारीख गोशे की थी। दानिया ने ब्लैक कलर का ड्रेस पहन रखा था और वो वलीद की बाहों में थी। एक तस्वीर में दानिया का सर वलीद के कंधे पे पड़ा हुआ था और एक तस्वीर में वलीद उसके कान से झुमका उतारते हुए उसके बेहद नजदीक था। एक तस्वीर में वलीद हंस रहा था। एक तस्वीर में सरगोशी करता दानिया को अपने बेहद नजदीक कर चुका था। वलीद ने जब्त से मुठ्ठियां भेज ली, वो पैकेट उठाता गुस्से से अंदर की तरफ बढ़ा। अगर आपके बच्चे एक दूसरे को पसंद करते थे तो हमें इस तरह बुलाने और जलील करने की क्या जरूरत थी, हम लोगों की इज्जत है, हमदानी साहब फंकार रहे थे। दानिया जो कुछ वक्त पहले सुर्ख दुपट्टा ओढ़े निकाह के लिए तैयार बैठी थी अब माँ के
साथ लगी, आंसू बहाती सब सुन रही थी। एहसान साहब सर झुकाए हारे हुए खड़े थे। मुस्तफ़ा साहब को वलीद पे बे इंतहा गुस्सा था। सनिया उनको तसली दे रही थी। अहमद हमदानी साहब को गुस्से से घूर रहा था। ये लाजिमन कोई साजिश है, आप प्लीज़ इस इल्ज़ाम तराशी से गुरेज करें, हमें कुछ वक्त दें ताकि हम सच आपको दिखा सकें, अहमद ने गुस्से को जब्त करते हुए कहा। क्या सच, अभी कुछ दिखाना बाकी है? सब कुछ आंखों के सामने है। आंखों देखी मक्खी कौन खाता है? साहिल आगे बढ़ा था और अहमद को कहा, बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, ये महज किसी की साजिश है। इन तस्वीरों को गलत एंगल में आप तक पहुंचाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा इन तस्वीरों में दिखाया गया है। वलीद ने अंदर आते हुए जब साहिल के अल्फाज सुने तो चीखा था, वाह बेटा वाह, ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए, पहले खुद इस लड़की को फांसना होगा, अब आपस के ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे तो हमारे सर पे थोप रहे हो। मिसेस हमदानी ने वलीद से कहा, बस कर दे आप सब लोग, मेरी दानिया ऐसी नहीं है, अहमद ने दुख से वलीद की तरफ देखते हुए मिसेस हमदानी से कहा। वलीद इस मासूम के लिए रिसवाई का पास बना था जिसने सारी जिंदगी खुद को संभाल के रखा था, अगर ऐसी ही है तो रखो पास अपने। बस हमदानी साहब, मैं अपने बेटे का रिश्ता हरगिज यहाँ नहीं करूँगी, मिसेस हमदानी ने हतमी अंदाज में कहा था। नहीं प्लीज़, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? यकीन करें मेरी बेटी ऐसी हरगिज नहीं है, आप बात समझने की कोशिश करें, फातिमा बेगम ने मुलतजी अंदाज में कहा था। बस करें मोमानी, ये लोग हमारी दानिया के लायक ही नहीं है, कैसे ये उसके खिलाफ गलत बात बोल रहे हैं। वलीद ने फातिमा बेगम के जुड़े हुए हाथों को पकड़ा था। अभी भी हम तुम्हें गलत लग रहे, खुद के करतूत छुपाने के लिए हमें सुना रहे हो? अब साहिल गुस्से से वलीद की तरफ बढ़ा, बकवास बंद करो वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वलीद ने गुर्राते हुए साहिल को गिरेबान से पकड़ा था। छोड़ो उसको वलीद, आगे कम तमाशा कर चुके हो तुम, मुस्तफ़ा साहब ने गुस्से से वलीद को साहिल से अलग करके साइड पे किया था। बाबा मगर मैं, वलीद ने तासुब से अपने बाप की तरफ देखा। बस वलीद हमदानी साहब, मैं माजूरत करता हूँ आपसे, इस सब के लिए मुझे लगता है रिश्ता ऊपर वाले ने लिखा ही नहीं था, बेहतर यही है कि हम दोनों ख़ानदान इस बात को चुपचाप यहीं पर ख़त्म कर दे ताकि मज़ीद किसी की भी बेइज्जती ना हो, एहसान साहब हौसला करते हुए बोले थे। मुस्तफ़ा साहब ने उनके कंधे पे हाथ रखते हुए उनको तसली दी थी। हमारी इज्जत भी आपके खानदान से रिश्ता ना जोड़ने में ही है, चलो सब लोग यहाँ से, हमदानी साहब ने तनफ़ुर से कहते हुए आगे बढ़ गए। पीछे ही साहिल और मिसेस हमदानी बाहर निकल गए। भाई साहब, मिसेस हमदानी प्लीज़ मेरी बात तो सुने। साहिल बेटा तुम तो मेरी बात सुनो, फातिमा बेगम रोते हुए उनको आवाज़ें दे रही थी। कैसे वो उनकी बेटी के साथ ऐसा करके जा सकते थे? उनको यकीन था उनकी बेटी मासूम है, वैसा कुछ नहीं कर सकती। वो सुर्ख दुपट्टा ओढ़े बैठी जिसके इंतजार में थी, वो उसको यूं ही रोते छोड़ के चला गया था। वलीद ये सब कैसे हुआ पता करो ना, अब कौन करेगा मेरी बेटी के साथ शादी? फातिमा रोते हुए वलीद के गले लगी थी। बस हौसला करें, वो लोग इस काबिल ही नहीं थे। वलीद ने खुद को जब्त के कड़े मराहल से गुजरते हुए महसूस किया। ये सब किया किसने है और क्यों, मुझे सब सुनना है। सच, बिल्कुल सच, मुस्तफ़ा साहब ने वलीद को सख्त नज़रों से देखते हुए पूछा था। वलीद फातिमा बेगम को सनिया के सपोर्ट करते हुए बाप के सामने मुजरिम ना होते हुए भी मुजरिम बना खड़ा था। मैं बताती हूँ अंकल आपको, सारे टाइम में पहली बार दानिया बोली। सबने दानिया को देखा जो चलती हुई उन सब की तरफ आ रही थी। वलीद ने किया ये सब? दानिया वलीद के बिल्कुल सामने आके खड़ी हो गई, जहाँ सब सुन के शौक में आए। वलीद पे भी मानो आसमान आ गिरा। बस खुश है ना अब आप? नहीं हो रही मेरी शादी, मुझे जलील करके आपको खुशी मिलती थी ना, तो देख ले आज मेरे साथ मेरे माँ बाप को भी आपने जलील करवा दिया। दानिया हिजियानी अंदाज में चीखते हुए वलीद को उसके गिरेबान से पकड़ के झिझोड़ रही थी। ये क्या कह रही हो तुम दानिया, ऐसा कुछ नहीं है, वलीद ने तासुब से दानिया को देखते हुए कहा था, मगर उसकी आंखों में बेयकीनी का जहाँ आबाद था। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हूँ वलीद साहब, ले अब हो गया शादी से इनकार, और क्या चाहते हैं वो भी बता दे। हमेशा की नरम मिजाज दानिया चीख रही थी। अरमानों को कत्ल हुआ था, माँ बाप की बेइज्जती का बोझ उसको अपने कंधों पे महसूस हो रहा था। सनिया बेगम ने आगे बढ़ के मचलती दानिया को अपने हिसार में लिया था। बेटा हौसला करो, बैठ के बात करते हैं, सनिया बेगम ने नम आवाज में कहा। मैंने यकीन करे मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन पिक्स को इस्तेमाल किया गया है एक झूठी कहानी बनाने के लिए, वलीद ने सबको यकीन दिलाने की कोशिश की थी। मैंने ना सिर्फ तुम्हें बेटा कहा था बल्कि बेटा माना भी था। वलीद तुम्हारी इस हरकत ने एक बाप का सर झुका दिया है, मेरी बेटी का क्या कसूर था, क्यों किया तुमने ये सब? एहसान साहब ने वलीद से कहा। मैं ऐसा कुछ नहीं किया, आप सब मेरी बात क्यों नहीं मान रहे, वलीद ने थके अंदाज में कहा। तो किसने किया ये सब? जिसने भी किया अब मेरी बेटी से शादी कौन करेगा, जमाना तो उसको जीते जी मार डालेगा अपनी जुबान के तेजी से। फातिमा बेगम ने दुहाई दी, ये करेगा शादी दानिया से अभी और इसी वक्त, मुस्तफ़ा साहब ने करख्त आवाज़ में फैसला सुनाया था।
बाबा, वलीद ने बेकिनी से बाप को देखा। चुप, एकदम चुप। मुस्तफ़ा साहब ने हाथ उठा के वलीद को मजीद बोलने से मना किया। अहमद, मौलवी साहब को अंदर बुला के लाओ, निकाह के बाद खाना सर्व कर ताकि मेहमान रुखसत हो सके। फातिमा बहन और सनिया, आप दोनों बच्चे को अंदर लेकर जाएं, मौलवी साहब को लेके आता हूँ मैं। वलीद और दानिया का निकाह अभी और इसी वक्त होगा। मुस्तफ़ा साहब अपना फरमान जारी करते बाहर निकल गए। पीछे रुके वजूद उस फरमान पे साकित खड़े रह गए। आधे घंटे के अंदर अंदर दानिया एहसान ने दानिया वलीद मुस्तफ़ा बनने का कठिन सफ़र तय किया। किस दिल से वही जानती थी, यूँ कहना बेहतर होगा कि दिल का तो खून हो गया था। वलीद जो कुछ देर पहले ये समझने से कासिर था कि सब क्या हो रहा है, उसके साथ अब गुस्से, झुंझलाहट और बेजारी की इंतहा पे था। मेहमानों ने खाना खाया और तरह तरह की बातें बनाते अपनी अपनी राह हो लिए। चंद दिन बातें बना के सब ने अपनी अपनी जिंदगियों में मगन हो जाना था। सब मेहमान एक एक करके जाते होटल खाली कर गए। एहसान और फातिमा दानिया को साथ लेके जाना चाहते थे, मगर अहमद ने यह कह के मना कर दिया था कि वलीद खुद उसको घर छोड़ देगा। वो चाहता था जो भी हुआ दोनों ठंडे दिमाग से उस पर बात कर सके। अब जबकि तमाम जुमला हुकूक वलीद अपने नाम करवा चुका था, तो एहसान साहब को क्या इतराज़ होता। वो भी मोइस के हमरा घर वापस आ गए। हम निकलते हैं, अब उसको समझा दो कि अब अगर कोई ऊंच नीच हुई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मुस्तफ़ा साहब ने सख्ती से खुद से दो कदम दूर खड़े वलीद को सुनाया। उस बेअतबारी पे वलीद का दिल मजीद दुखा था, साथ गुस्से में मजीद इजाफा हुआ। बाबा आप फिक्र ना करें, आप मामा को लेकर घर जाएं, मैं भी फिरजा को लेकर आता हूँ। अहमद ने उनको तसल्ली दी। फिरजा और सनिया ने कहा, मैं बैठी नई दुल्हन दानिया वलीद को दिलासे देने में हलकान हो रही थी। मुस्तफ़ा साहब वलीद को सख्त नजरों से देखते आगे बढ़ गए। अहमद ने वलीद के कंधे पे हाथ रखते उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा, जिसकी आंखें जब्त से सुर्ख हो रही थी। क्या आपको भी लगता है ये सब मैंने किया है? वलीद ने मान से अपने बड़े भाई जैसे दोस्त से पूछा था। हरगिज नहीं, मेरा वलीद ऐसे कोई काम नहीं कर सकता जिससे उसकी फैमिली का सर झुके, अहमद ने अपने सामने खड़े खूबरू नौजवान से कहा, जो इस वक्त छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। तो फिर आप बाबा और फुप्पू लोगों को समझाते क्यों नहीं? आप मेरे साथ चले और बात करें उन सबसे, यार कोई समझ क्यों नहीं रहा मेरी कंडीशन? वलीद बेबसी से बोल रहा था। वलीद इधर आओ बैठो, अहमद ने उसको पकड़ के सामने पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा किया, मगर वो बेबस खड़ा था। बैठो वलीद, अहमद ने उसको दोबारा कहते हुए सामने बिठाया। देखो वलीद, मैं जानता हूँ और तुम जानते हो कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन यार घर वाले और दानिया के लिए जो सब हुआ किसी सदमे से कम नहीं है। उनके सामने जो आया वो उनका सच है, हमारा सच वो है जो अभी हमारी आंखों से भी ओझल है। अब वो क्या वो हमें ढूंढ के सबके सामने लाना है? अहमद उसकी तवज्जो एक अहम मसले की तरफ करवा रहा था, जिसको वो भूल गया था कि ये सब किसने किया है। इस सब में मेरी और उसके निकाह की क्या जरूरत थी? आप लोगों को बात का एक ही हल क्यों नजर आया? अब जिसने मुझे गलत नहीं भी समझना होगा वो भी समझेगा, और मेरी छोड़े सब दानिया पे भी इल्जाम लगाएंगे, वलीद ने झुंडाते हुए कहा था। लोगों का काम बातें बनाना है, उनकी फिक्र छोड़ो, अब तुम उसके शोहर हो, उस पर लगा हर इल्जाम धो डालना। अहमद और उसको क्या कहता, क्यों ये सब तो खुद भी चाहता था, मगर वलीद की वजह से कभी उस पर बात नहीं की। मगर जब कुदरत ये सब खुद करवा रही थी तो उसको क्या एतराज था भला? तभी अहमद का फोन बजा। वो कुछ देर बात करने के बाद वलीद की तरफ मुतवज्जो हुआ। चलो उठो, अब मैं फिलजा को लेके घर जा रहा हूँ, वो मामा बाबा के साथ पार्किंग में है और दानिया के पास फरहान और अलीजे बैठे हुए हैं। काफी रात हो गई है, उसको घर छोड़ के आओ और उसको ये यकीन दिलाओ कि तुम उसके साथ हो इस मुश्किल वक्त में। बिया मैन यार, अहमद ने उसको तसल्ली देते हुए कहा। जी भाई, आप भाभी को ले जाए, यहाँ की फिक्र ना करें, वलीद ने एक सर्द सांस खारिज करते हुए कहा। अहमद उसको देखते हुए बाहर निकल गया। तभी उसको मोबाइल बजा था, अलीजे का फोन था। डैम इट, वलीद ने दांत पीसते हुए उसकी कॉल अटेंड करके कान को लगाई थी। अलीजे जो इस निकाह पे अंगारों पे लौट रही थी, खुद को ठंडा करके बोली थी, वलीद मुझे पता है तुम इस वक्त किन हालात से गुजर रहे हो, जाहिर सी बात है कि एक अनचाहा रिश्ता है, दानिया हमारे साथ है, तुम रिलैक्स करो, हम लोग उसे घर छोड़ देते, अलीजे ने शहद से ज्यादा मीठे लहजे में कहा। वलीद को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसा महसूस करे या उसको कैसा महसूस हो रहा है। क्या वो दानिया और साहिल का रिश्ता खत्म होने पे खुश हो या दुखी? खुद के साथ होने वाले इतने बड़े वाक्य पे सब कुछ तहस नहस कर दे, या जिसने ये सब कुछ किया उसका हशर कर दे। वलीद सुन रहे हो ना तुम? अलीजे ने उसकी खामोशी सुन के दोबारा उसको पुकारा। हाँ ठीक है, मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए, तुम लोग छोड़ आओ उसको घर, वलीद ने कहते हुए फोन बंद किया और उठ के किसी तारीख कोशी की तलाश में निकल गया। वो अभी कुछ पल अकेले में सुकून तलाश करना चाह रहा था। लो भाई, उनके नाम के दुल्हे ने दे दी इजाजत, चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दे, अलीजे ने गुमसुम बैठी दानिया को कहा। फरहान की आंखों में चमक आई थी। अरे आराम से, कली से नाजुक है हमारी दानिया, भाभी।
फरहान ने दानिया को तेजी से अपने साथ ले जाती अलीजे को टोका था और भाभी पे जोर देते हुए बात मुकम्मल की। फिर दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख के हंस दिए। दानिया भी उसके साथ खिंचती चली जा रही थी। दानिया जो कब से गाड़ी में बैठी हुई थी इर्द गिर्द देखा तो अनजान रास्ते मालूम है। तभी गाड़ी चलाते फरहान का मोबाइल बजा। उसने मोबाइल की स्क्रीन देखी तो एक मैसेज था, एक बात याद रखना, मेरा काम हो जाना चाहिए। तुम्हारे बदले की वजह से जो तबाही मेरी जिंदगी में आई वो मुझे कबूल नहीं, तो बेहतर है उसको खुद ही निकाल बाहर करो वरना। फरहान ने मैसेज पढ़ के अलीजे को देखा जो उसकी तरफ ही देख रही थी। तभी दानिया की आवाज़ गूंजी थी, ये हम कहाँ जा रहे हैं, ये मेरे घर का रास्ता तो नहीं है। दानिया ने बराबर बैठी अलीजे को कहा, हम नहीं, तुम और फरहान, मैं तो भाई बहुत थक गई हूँ, मुझे तो पहले घर छोड़ दो, बस अगली रोड पर रहा मेरा घर, अलीजे इत्मीनान से कहते हुए साथ बैठी दानिया का इत्मीनान उड़नछू कर गई। मगर अलीजे मैं कैसे फरहान के साथ घर जाऊंगी, दानिया ने अपनी मुश्किल उसको बयान की थी। अरे जैसे मैं जा रही हूँ, पर वैसे भी तुम्हारे कजिन प्लस शोहर की इजाजत से ही वो तुम्हें घर छोड़ने जा रहा है, तो प्लीज ड्रामे बंद करो, अलीजे चिड़ के बोली थी। चलो अलीजे तुम्हारा घर आ गया है, कल मिलते हैं। फरहान ने गाड़ी एक बंगले के सामने खड़ी करते हुए उसे बैक मिरर से देखते हुए आंख दबाई थी। अलीजे मुस्कुराती एक अदा से गाड़ी का दरवाजा खोल के बाहर निकली। बाय डियर जाते हुए दानिया को कहना नहीं भूली। दानिया दंग बैठी रह गई, उसको कुछ समझ नहीं लग रही थी वो क्या करे। वो आज तक अहमद या फैज के अलावा किसी के साथ नहीं बाहर आती जाती थी। आप मेरी वली से बात करवा दे प्लीज, दानिया मनमनाई थी और तो कोई रहा नजर नहीं आ रही थी, मोबाइल भी उसके पास नहीं था। जो हुक्म, फरहान ने गहरी नजर उसका दिलकश सरापा देखते हुए कहा और मोबाइल निकाल के वलीद को कॉल मिलाई और स्पीकर ऑन किया। बेल जा रही थी, कुछ देर के बाद एक झुंझलाई आवाज उभरी थी। दानिया की आंखों में नमी आ गई यह आवाज सुन के। अब क्या है यार, क्यों तंग कर रहे हो बार बार, वली जो कुछ देर पहले होने वाले वाके के हिसाब किताब उलझा हुआ था कोफ्त से बोला। उसको दानिया पे गुस्सा आ रहा था, सबसे ज्यादा उसने क्यों और किस बुनियाद पे इतना गिरा हुआ समझा था उसे। अगर वो इस वक्त उसके सामने होती तो उसका बुरा हशर कर देता। मैं कहाँ तंग कर रहा हूँ, तुम्हारी बीवी को तुम्हें तुम्हारी याद सता रही है, फरहान ने कहने के साथ गाड़ी रोकी और पिछली सीट की तरफ मुड़ा और मोबाइल अपने और दानिया के दरमियान कर लिया। बकवास बंद करो, क्या बीवी बीवी लगाया हुआ है, तौका के अहम मुताबिक वली चिड़ा था और फरहान सरशार हो गया और दानिया उसकी अपनी जात को लेके बेजारी पे तड़प उठी। मैं और अलीजे दानिया को अपने फ्लैट में, फरहान ने अपनी अगली चाल चली थी, मेरी तरफ से जहां मर्जी लेके जाओ, अब मुझे फोन ना करना, वलीद ने गुस्से से उसकी बात काटी थी। जहां फरहान के मुंह से फ्लैट का लफ्ज सुन के दानिया चौंकी, वही वलीद के अल्फाज सुन के वो लरस उठी। अब उसके साथ क्या होने वाला था, उसका अपना मुहाफिज उसको किसके हाथों सौंप रहा था। वलीद दानिया के मुंह से निकला था क्या कुछ ना था, उस आवाज में तड़प मान इल्तिजा फरियाद। तभी फरहान ने कॉल काट दी। चलो अब तो आपको तसल्ली हो गई ना कि आपके शोहर को इससे कोई गर्ज नहीं कि आप जहां मर्जी लेके जाओ स्वीट हार्ट, फरहान ने उसको आंख दबाते हुए गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी रोको प्लीज, दानिया ने रोते हुए उससे इल्तिजा की थी। अब ये अपने ही फ्लैट पे जाके रुकेगी बेबी, फरहान ने हंसते हुए कहा। दानिया के पास अपनी इज्जत की हिफाजत की दुआ करने के अलावा और कोई चारा ना था। दूसरी तरफ वलीद इस सब का जिम्मेदार दानिया को मानते हुए गुस्से में बैठा हुआ था। गुस्सा इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है, जो इंसान के बहुत बड़े नुकसान को करवा देता है, जिसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ता है और कभी कभार ये नुकसान नाकाबिल तलाफी हो जाता है। शायद यही वलीद के साथ होने जा रहा था। वलीद फोन सुनने के बाद बेचैनी से होके पार्किंग में खड़े हो गया। तभी उसको कुछ देर पहले वाली गूंजी कानों में सुनाई दी। वलीद, दानिया ने उसको पुकारा था, कैसी तड़प थी उसकी आवाज में। कुछ देर पहले उसको और दानिया को एक बंधन में बांधा गया था, निकाह हुआ था उसका वलीद से। अब वो दानिया वलीद हसन है, उसकी बीवी, उसकी इज्जत। पता नहीं फरहान ने उसको घर छोड़ा होगा या नहीं, वलीद सोचते हुए गाड़ी को मेन रोड पे लाया। गुस्सा कम हुआ तो उसके आसाब ने काम करना शुरू किया। यूं ही बेशुमार सोचे उसके जहन में आने लगी थी खुद को और दानिया को लेके। ये उस दिन की तस्वीरें थी जिस दिन मामा और बाबा की एनिवर्सरी थी, वो उस दिन ब्लैक ड्रेस में थी। वलीद के जहन में अब सोचे आना शुरू हुई। हाँ, जिस दिन फरहान ने उसको ब्लैक ड्रेस में देख के बकवास की थी, हाँ उस दिन, हाँ। वलीद स्ट्रिंग पे हाथ मारते हुए बड़बड़ाया, फरहान। वलीद के दिमाग में कुछ खटका था, उसने फरहान का नाम लिया और गाड़ी के टायर चरचराहट के साथ रुक गए। दानिया भी फरहान के साथ है, मैं कैसे भूल गया, मैं कैसे उसको फरहान के साथ छोड़ सकता हूँ भला। वलीद ने गुस्से से स्ट्रिंग पे हाथ मारते हुए मोबाइल उठाया। बेल जा रही थी उसी तरह। वलीद का दिल भी धड़क रहा था। मैं और अलीसे दानिया को अपने फ्लैट में, फरहान के अल्फाज वलीद के कानों में गूंजे, साथ ही एक पुकार भी गूंजी थी, वलीद फोन उठाओ फरहान, अगर कुछ गलत हुआ तो मैं जान ले लूंगा तुम्हारी भी, खुद की भी। वलीद बेबसी से बालों में हाथ डालते हुए गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। अब वो फुल स्पीड से गाड़ी फरहान के फ्लैट की तरफ बढ़ा रहा था, जो उसी मेन रोड के लास्ट में वाकई सोसाइटी का फ्लैट था। उतरो गाड़ी से जाने फरहान,
फरहान खबासा से कहता हुआ पार्किंग में गाड़ी रोक के दानिया की तरफ आया। रात का एक बज रहा था, पार्किंग में कोई सी रूह दिखाई नहीं दे रही थी। कहीं नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ, तुम वलीद को कॉल करो। दानिया को तो खौफ से बुरा हाल था, वो उसके इरादे भांप चुकी थी। अरे फिर वही वलीद, वलीद क्या एक ही रट लगाई हूँ, फरहान ने अब गुस्से से कहा था। दानिया गाड़ी के दूसरे दरवाजे से जा लगी। देखो मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ, मैं कह रहा हूँ बाहर निकलो, वलीद वलीद करके मेरा दिमाग ना खराब करो। और वैसे भी तुम भूल रही हो कि उसने तुम्हें खुद मेरे साथ भेजा है, निकलो बाहर, फरहान ने अब चीखते हुए कहा जब दानिया भी फूट फूट कर रो दी थी। देखो तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे घर जाने दो, तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही, मैं वलीद की बीवी हूँ, जाने दो मुझे। दानिया ने रोते हुए उसकी मन्नत की, बकवास बंद करो, अब अगर एक बार भी तुमने वलीद का नाम लिया तो मेरे से बुरा नहीं होगा कोई। फरहान ने एक थप्पड़ मारते हुए दानिया को वार्न किया, जो सिसकती मुंह पे हाथ रख गई। इससे पहले कि वो अपनी शैतानी मंसूबे पे अमल करता हुआ उस पर झुकता, तभी एक आवाज़ गूंजी थी जिसने मरती दानिया के अंदर जिंदगी की लहर दौड़ा दी थी। दानिया, शिद्दत से नाम पूरे पार्किंग एरिया में गूंजा था, साथ में कदमों की धमक पड़ रही थी जो दानिया के दिल की धड़कन के साथ साथ उभर और डूब रही थी। दानिया ने पूरा जोर लगा के इस दीवार जैसे वजूद को खुद से दूर किया। वो वली, दानिया चीखते हुए रोते हुए चीखी थी। उसके रोते वजूद पे जब वलीद की नज़र पड़ी तो वो अंदर तक दहल गया। हाँ वो अंदर से मर गया था। एक पल को तो उसकी सांस जैसे रुक गई। उसकी दानिया, हाँ उसकी बीवी, उसकी मोहब्बत जिससे वो इतने दिनों से मुंह मोड़ रहा था, वो कोई और जज्बा नहीं था बल्कि मोहब्बत ही थी। वो किस हाल में उसके सामने थी, उसका मरना तो लाजिम था ना। दुपट्टा जो कुछ देर पहले उसके खूबसूरत चेहरे को चार चांद लगा रहा था, दूर गिरा पड़ा था। बाल बिखरे हुए थे, आंसू बह बह के मातम कर रहे थे, आंखें अलग शिकवों और इल्तिजाओं और कुछ देर पहले टूटी कयामत की दास्तान सुना रही थी। गाल पे पड़े थप्पड़ का निशान अलग अपना दर्द बता रहा था। वलीद की दानिया तो क्या वो सोच रहा था वैसा ही हुआ था। वो फरहान, वलीद चीखता आगे बढ़ा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की, बोल कमीने। वलीद की हालत बयान से बाहर थी, वो आते ही फरहान को बेदर्दी से मारने लग गया। सहमी हुई दानिया बमुश्किल गाड़ी का सहारा लेते उठी थी और पीछे से वलीद की काले रंग की जैकेट को पकड़ लिया कि वो कहीं फिर से ना चला जाए। वलीद ने उसकी पकड़ को महसूस किया तो बेबसी से आंखें मिट गया था उसका डर समझ के। मेरी बात सुन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया वलीद, पागल ना बन। फरहान ने खुद को छुड़ाया था, जो इस वक्त कहीं से भी वलीद नहीं लग रहा था, एक जुनूनी था वो वलीद। दानिया बदक्कत बोली, उसकी आवाज़ मौजूद तड़प सुन के वो फरहान को जमीन में धक्का देते हुए अपनी दानिया की तरफ मुड़ा। दानिया तुम ठीक हो ना, वलीद ने उसको पास करते हुए दीवानावार उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए पूछा। तब उसकी नज़र उसके होंठ के किनारे पे पड़ी जहाँ खून की बूंद उस थप्पड़ का नतीजा थी। वलीद जब्त से आंखें मिट गया, तभी उसने अचानक मुड़ते हुए नीचे पड़े फरहान पे अपने भारी बूटों की ठोकर मारी थी। मुझे घर जाना है, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। तभी दानिया के चीखने से वो होश में आता फरहान को अधमुआ छोड़ के दानिया की तरफ मुड़ा था। दानिया मैं आ गया हूँ ना, तुम डरो मत, वलीद ने उसको तसल्ली दी थी। फरहान उन दोनों को अपनी तरफ मुतवजह ना देख के वहां से भाग निकला। दानिया सहमी उसके साथ लग गई, उसकी जैकेट को जोर से पकड़ लिया। वलीद की गिरफ्त भी मजबूत हुई थी। वलीद फरहान का भागना जान चुका था, मगर इस वक्त सामने खड़ी उसकी जिंदगी ज्यादा अहम थी, क्योंकि फरहान को तो वो माफ करने वाला नहीं था। कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ, बस बस, वलीद उसको साथ लगाए उसके सिसकियों पे उसको तसल्ली दे रहा था। और दानिया बस ये सोच सोच के पागल हो रही थी कि अगर वलीद ना आता तो। उसने जब्त से आंखें बंद करते हुए खुद को मजीद वलीद में भेजा, जैसे कोई अभी आके उसको वलीद से ले जाएगा, उसकी पनाह हो, वो पुरसकून थी। तभी एक जुमला उसके कानों में गूंजा, मेरी तरफ से जहां मर्जी लेके जाओ, अब मुझे फोन ना करना। वलीद का कुछ देर पहले किया गया जुमला वो एक पल की भी देर किए बगैर वलीद के हिसार को तोड़ती पिछड़ती थी। दानिया, वलीद उसके यूं दूर होने पे तड़पा था। मर गई दानिया, ले लिया मुझसे तुमने अपना इंतकाम। दानिया चीखी थी, क्या कह रहे हो तुम, फजूल बातें क्यों कर रही हो। वलीद उसकी सूजी आंखों में देखते हुए टूटे लहजे में बोला, हाँ फजूल बातें, मैं भी फजूल, मेरी बातें भी फजूल। वलीद तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया, खुद की बीवी को किसी के सपुर्द करते हुए। तानिया आखिर में रो पड़ी। वलीद तड़प उठा था, उसके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि उसका दोस्त उसकी इज्जत के साथ यूं करेगा। दानिया प्लीज तुम पुरसकून हो जाओ पहले, फिर हम बात करते, मैं आ गया हूं ना, अब कुछ बुरा नहीं होगा, वलीद ने खुद पे काबू पाते हुए कहा। हाँ अब तुम आ गए हो, यही तो बुरा हुआ है, क्यों मेरी जिंदगी खराब कर रहे हो, मेरा क्या कसूर था, मेरे पास मेरी जात का मान ही था, तुमने आज वो भी छीन लिया। दानिया ने वलीद का गिरेबान पकड़ते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा। वलीद बेयकीनी से उसको देख रहा था कि वो उसको इतना गिरा समझती थी।
भले ही तुमने मुझे कबूल नहीं किया, मगर थी तो मैं तुम्हारी बीवी जिसको तुमने अपने दोस्त के हाथ में थमा दिया। कि जी बहला, दानिया धाड़ी, मगर उसका जुमला मुकम्मल ना हो सका था। बस एक लफ्ज भी तुम्हारे मुंह से निकला तो तुम्हारी जान ले लूंगा मैं, वलीद ने दानिया से ऊंची आवाज में चीखा और उसके दोनों बाजू को अपने हाथों में दबोचा था। दानिया की जान निकलती महसूस हुई थी। मजीद बकवास की तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूंगा, मैं ये कर भी सकता हूँ, बकौल तुम्हारे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आखिरी बात वलीद ने जख्मी अंदाज में कही थी। दोनों के दरमियान छाई खामोशी का दौरानिया चंद पल पे मोहित था। खामोशी को दानिया की आवाज ने तोड़ा था। वलीद, मुझे तलाक चाहिए, दानिया ने फैसला सुनाया। वलीद जो उसका हाथ पकड़े आगे बढ़ रहा था डगमगा गया, दिल की दुनिया लुट गई। वलीद ने जब्त से आंखें मीची, दांत पिसते दानिया की हाथ पे भी गिरफ्त मजबूत हुई थी। बेहतर है कि हम इस वक्त मजीद कोई बात न करें, क्योंकि हम दोनों इस वक्त अपनी हवासों में नहीं है, वलीद ने सर्द लहजे में कहा था। नहीं, बात तो अभी होगी, वरना कल मैं खुद ये बात सब बड़ों से कर लूंगी, ताकि ये इल्जाम भी मेरे पे आ जाए, दानिया आरिया पार होने वाला अंदाज इख्तियार किए हुए थी। देखो दानिया, तुम बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हो, वलीद ने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा। जहां दानिया की आंखों में बदगुमानियों का ठाठे मारता समंदर बह रहा था। बेफिक्र है मिस्टर वलीद, कुछ देर पहले मेरी जात का मान छीनने वाला वाकये का जिक्र नहीं करूंगी, आप पे कोई भी इल्जाम लाए बगैर बाइज्जत आपको इस निकाह की कैसे बरी करवा दूंगी, दानिया ने हर एक लफ्ज पे जोर देते हुए कहा। इस वक्त तो कोई भी बात सुनने और मानने के मूड में हरगिज नहीं थी। ठीक है, मुझे तुम एक हफ्ते का वक्त दो, वलीद ने चंद लम्हे के तौकुफ के बाद ये जुमला अदा किया था। ना चाहते हुए दानिया के लबों पे जख्मी मुस्कुराहट आई और आंखों से नमी सी रोशन हुई थी। घर पहुंचने तक वो खुद को काफी हद तक संभाल चुकी थी, क्योंकि अगर आज वो कमजोर पड़ जाती तो शायद आगे चल के भी उसको कोई खमियाजा भुगतना पड़े। घर आ चुका था तभी गाड़ी रुकी और खामोशी को वलीद की बेतासुर आवाज ने तोड़ा था। मैं नहीं चाहता कि इस बारे में किसी को कुछ पता चले, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, मुझे एक हफ्ते का वक्त दो, मगर इस बार तुम पे एक हर्फ भी नहीं आने दूंगा, वलीद ने दानिया के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, जिस पे एक नजर भी डालने को तैयार ना थी। कुछ कहे बिना वो गाड़ी का दरवाजा खोल के अंदर जा चुकी थी। वलीद ने उसके अंदर जाते हुए सर को सीट की पुश्त पे गिरा दिया था। आगे की सोच उसको हलकान कर रही थी। पिछले चंद घंटों में उसकी जिंदगी क्या से क्या हो गई थी। जिस जज्बे को छुपाता वो कई महीनों से फिर रहा था, फिर उसके लुट जाने का गम था। जब वो मोहब्बत किस्मत में लिखी तो सब कुछ गुस्से की नजर करके बैठा रहा, और जब उन जान लेवा लम्हों में मोहब्बत का जानदार इंकशाफ हुआ तो दानिया की बात ने इस बात को, इस एहसास को महसूस भी ना करने दिया। थकहारा घर पहुंचा था, सब उस वक्त सो रहे थे, अच्छा भी था क्योंकि वो किसी का सामना नहीं करना चाहता था। सब कुछ बैठ में फेंकता खुद भी ढेर सा हो गया। सोचों ने दिमाग का सुकून तबाह कर रखा था। मोबाइल उठा के किसी को मैसेज किया और फिर सोचते सोचते न जाने कौन से पहर उसकी आंख लगी थी। अगली सुबह सनिया बेगम की पुकार पर उसकी आंख खुली। मामा आप मुझे बुला लेती, वलीद ने नींद से बोझल आंखें खोलते हुए सनिया बेगम से कहा था, जिनका दिल अपने जिगर के टुकड़े को इस हाल में देख के खून के आंसू रो रहा था। मेरी जान, क्या हाल बना रखा है तुमने, अहमद तुम्हें दोबारा देख के जा चुका है, सनिया बेगम ने आपदीदा लहजे में कहा। मामा मेरा यकीन करें, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, मैं ये सब नहीं किया। क्या आपको लगता है आपका वलीद ऐसा कर सकता है, वलीद ने एक ही सांस में उनका हाथ पकड़ के अफसरदा लहजे में सवालात किए थे। नहीं मेरी जान, मुझे पता है जो कुछ भी हुआ वो मेरे बेटे ने हरगिज़ नहीं किया, मेरा वलीद ऐसा कर ही नहीं सकता, मुझे अपने बेटे पे पूरा यकीन है, सनिया बेगम ने पुरशफ़क़त लहजे में कहते हुए उसकी पेशानी को चूमा था। मामा तो फिर आप बाबा को भी समझाएं ना, वो मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे, एहसान अंकल को यकीन दिलाएं ना, आप क्यों नहीं बताती सबको, मेरा उसमें कोई कसूर नहीं, बेबसी से कहते उसकी आवाज़ ऊँची हुई थी। तभी अहमद अंदर दाखिल हुआ। मामा आप जाके उसके लिए नाश्ता बनवाएं, मैं उसको लेके आता हूँ, अहमद ने अंदर आते सनिया बेगम से कहते उनको जाने का कहा था। वलीद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस हौसला रखो, अहमद ने बात का आगाज किया। कुछ ठीक नहीं होगा, आपको पता है कल रात उसने मुझसे क्या कहा, मुझसे तलाक मांग रही थी, वलीद ने बताते अहमद को हैरान किया। वो अभी गुस्से में होगी, मैं बात करूंगा, तुम मेरी बात, अहमद ने उसको तसल्ली देते हुए कहना शुरू किया था, मगर वलीद ने उसकी बात काटी थी। नहीं, कल रात जो हुआ उसमें सारी मेरी ही गलती थी, मगर मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि कुछ ऐसा होगा, मैं मर के भी ऐसा नहीं सोच सकता था, वो मुझे समझ ही नहीं रही, आप ही समझ ले, वो मेरे लिए सब कुछ है, वलीद ने बेबसी से कहते अपने सर को दोनों हाथों में गिरा लिया था। वो इस वक्त बिल्कुल छोटा सा बच्चा लग रहा था जिसको कीमती चीज के छिन जाने का खतरा लाहक हो जाता है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं, कल रात क्या हुआ, अहमद ने वलीद का रुख अपनी तरफ मोड़ा था तो वलीद ने उसको कल रात वाली सारी बात सुना दी। उफ खुदाया, पहले क्या कम मसाइल हुए थे, अब ये सब,
बस इंसान को छोड़ूंगा नहीं। अमर को भी तैश आया था। आपको क्या लगता है वो इस शहर में होगा? कभी भी नहीं। वो मुझे जानता है कि कोई मेरी चीज को नजर उठा के भी देख ले तो मैं क्या हशर करता हूँ। ये तो मेरी इज्जत थी। मैं जब तक उससे इस चीज का हिसाब न ले लूं मुझे सुकून नहीं आएगा, वलीद तैश में बोला। तो क्या जो कल सब कुछ हुआ क्या उसमें भी उस शैतान का हाथ है? अहमद ने पुरसोच अंदाज में कहा। भाई मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। वो इस कदर गिर जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं कल रात से उसका पता करवा रहा हूँ मगर उसकी कोई इत्तला नहीं मिल रही। मगर मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, वलीद फंकारा था। वलीद गुस्से में, तुम कुछ उल्टा सीधा मत करना। अहमद उसके गुस्से से वाकिफ था। और क्या तुम दानिया को तलाक दे दोगे? अहमद ने कुछ सोचते वलीद से पूछा। वलीद खामोश था, सिर्फ एक नज़र उसने अपने बाप जैसे भाई को देखा। इस नज़र का मतलब अहमद समझ चुका था। हाथ बढ़ाकर उसने वलीद को साथ लगा लिया था। आज इस वाकये को 5 दिन गुजर गए थे। दानिया का बुखार नहीं जान छोड़ रहा था। सबने उसको हाथों का छाला बनाया हुआ था। सब लोग वक्तन फोक्तन दानिया के पास जाते रहते सिवाय वलीद के। आज 6ठा दिन था। इन दिनों वो फरहान को हर जगह ढूंढ चुका था मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अलीजे से भी वो पूछताछ कर चुका था मगर उसने नहायत चालाकी से ये कहकर खुद को इस मामले से निकाल लिया था कि फरहान उसको पहले घर ड्रॉप कर चुका था और उस दिन के बाद उन दोनों का कोई रब्ता नहीं हुआ था। दूसरी तरफ इन तस्वीर वाला मामला जू का तू था। वलीद किसी काम से बाहर गया हुआ था। शाम के साए गहरे फैल रहे थे। वलीद ने कुछ सोचते हुए मुइज़ को मैसेज करके कुछ पूछा था और गाड़ी की सीट पर सर टिका के बाहर भागते दौड़ते नज़ारे देखने में मगन हो गया। दिल बेहद उदास था। तभी मैसेज की टोन बजी। उसने बेसाख्ता शुक्र अदा करते हुए सन ग्लासेस पहने और गाड़ी स्टार्ट कर दी। 10 मिनट के बाद गाड़ी को उसने एहसान साहब के घर के सामने रोका था और अंदर चला गया। सामने ही लाउंज में मुइज बैठा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मुइज ने वलीद को अंदर दाखिल होते देखा और पूछते हुए खड़ा हुआ। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? वलीद ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा। मामा पापा कुछ देर पहले मार्केट में किसी काम से गए हैं, आप ही दवा खा के सो गई है, मुइज ने वलीद को बताया था। मैं दानिया को देखना चाहता हूँ और तुम फिक्र मत करो, मैं फूफू और अंकल के आने से पहले चला जाऊँगा और जाते हुए अंकल सलीम चौकीदार को भी समझा जाऊँगा, वलीद ने उसके चेहरे पर फिक्र देखते हुए कहा। क्योंकि दोनों को ही पता था कि हालात किस नहज पे थे। ना ही वलीद ने उस दिन के बाद से आके फातिमा और एहसान से बात की जिससे उनको तसल्ली ही हो जाती। लड़की के वालिदैन ऐसे ही होते, वो ऐसी बातों पे फूलते नहीं समाते। जब उनके दामाद उनकी बेटियों की सब ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए उनको ज़िंदगी की सब सहूलतें फराहम करते हैं, हालांकि तो उनका फ़र्ज होता है। जी भाई, मुइज़ ने होले से हंसते हुए कहा था। वलीद भी दानिया के कमरे की जानब चला गया। 2 कमरे छोड़ दानिया का कमरा था। वलीद ने कमरे का दरवाज़ा खोला था, अंदर लाइट बंद थी। खिड़की के पर्दे सरके हुए थे जिससे छन के आती रोशनी से कमरा थोड़ा सा रोशन था। वलीद अंदर दाखिल हुआ। बेड पे बेसुध लेटे वजूद पे नज़र पड़ी जिस वजूद में आजकल उसकी जान अटकी हुई थी। उस एक नज़र से उसको अंदर तक सुकून उतरता महसूस हुआ। वो 2 कदम चलता खिड़की के पास गया और हाथ बढ़ा के पर्दा हटाया तो रोशनी और बढ़ गई थी मगर वो बेसुध सोई हुई थी, शायद दवाई का असर था। वलीद बेड के पास गया और उसके पास ही बैठ गया और नज़रों के रास्ते उसकी सूरत दिल में उतारने लगा। कितनी कमज़ोर लग रही थी, वलीद के दिल को धचका लगा और हाथ बढ़ा के उसके चेहरे को छुआ। एक फैसला जो उसने 6 दिन पहले लिया था उसको हर दम अफसरदा किए हुए था। प्यार से उसका चेहरा तकते हुए उसका हाथ उठा के अपने सीने पर बाएँ जानिब उस मुकाम पर रखा जहाँ आजकल उसके नाम की माला जपती जाती थी। दानी, वलीद की दानी, बदिक्कत ये अल्फाज अदा किए थे वलीद ने। साथ ही एक आंसू टूट के गिरा था जो वलीद के शर्ट में ही जज्ब होके दम तोड़ गया। झुका और दानिया की पेशानी पर बोसा देते उठ के बाहर चला गया। वो नहीं चाहता था कोई लम्हे उसको उसके किए हुए फैसले से दस्तबरदार कर दे। 7वें दिन का सूरज अपनी आबोताब के साथ तुलू हुआ था मगर शायद कुछ लोगों की जिंदगियों में ये रोशनी अंधेरे में बदलने वाली थी। सही मानों पर क़यामत तब उन लोगों पर टूटी जब वलीद के कमरे से उसकी जगह एक लिफाफा बरामद हुआ। उस वक्त सब एहसान साहब के लाउंज में सर झुकाए बैठे थे और अहमद के हाथ में वो कागज़ का टुकड़ा जिसने सबके लबों पे ताले लगा दिए थे। आप सबसे दूर जाने का फैसला मेरे लिए आसान हरगिज नहीं था मगर कुछ वजूहात की बिना पे ये करना लाजमी है। मैं आप लोगों की आंखों में जब वो सवालात देखता हूँ तो मेरे दिल पे बेचैन होता है। मुझे उन सब सवालात का जवाब ढूंढना है, उन इल्ज़ामात की तरदीद करनी है जो मुझ पर लगाने के साथ साथ मेरी पाकबाज कज़िन और जो अब मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है उस पर लगा गए। मुझे उन सब को धोना है। इस सब में मुझे नहीं पता कितना वक्त लगेगा। मुझे
और आपको न जाने क्या क्या सहना पड़े, मगर मैं आप सबकी आंखों की बेअतबारी नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं कहाँ जा रहा हूँ ये बताना बिल्कुल ज़रूरी नहीं, मगर आप सबसे बहुत दूर जा रहा हूँ और आपके पास अपनी एक अमानत छोड़े जा रहा हूँ, अपनी बीवी और अपनी इज्जत। उम्मीद है कि उसकी आप सब अपनी जान से ज़्यादा हिफाजत करेंगे। खुदा हाफिज़। किसी के पास दूसरे को हौसला देने के लिए अल्फाज नहीं थे। सबके जहनों में एक जुमले की बाजगश्त थी, अपनी अमानत छोड़े जा रहा हूँ। मैं आपसे एक चीज़ मांगना चाह रही हूँ झोली फैला के। मुझे पता है ये कितना मुश्किल है, और वो भी इस वक्त जब मेरा बेटा भी मंजर से गायब हो चुका है, मगर मुझे अपनी तरबियत पे पूरा यकीन है कि वो हम में से किसी को रुसवा नहीं करेगा। भाई साहब, मेरी दानिया को मेरे साथ भेज दे उसके घर। मैं अपने वलीद की अमानत को अपनी नज़रों के सामने रखना चाहती हूँ। वो तो मेरी आंखों के सामने नहीं होगा, मगर दानिया का वजूद मेरे लिए एक सहारा होगा, एक उम्मीद होगा। आखिर में सनिया बेगम रो पड़ी थी। चारों तरफ खूब अंधेरा था। बुलंदोबाला बिल्डिंग रात के इस पह खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। वो जो ही आगे बढ़ा था, निस्वानी चीखों पुकार उसको सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ उसको बहुत मानूस लगी थी। वो तेज़ी से आगे बढ़ा, वो दीवानावार भागता जा रहा था। निस्वानी चीखों की आवाज़ उसके दिल पे जरब की तरह पड़ रही थी। कलेजा फट रहा था। वो आवाज़ के ताकुब में अंधाधुन भागता जा रहा था। सामने जब उसकी नज़र पड़ी तो तड़प उठा। वहाँ हाँ वही थी जिसमें उसकी जान अटकी थी, जो असासा हयात थी उसकी, जिंदगी संवारने वाली, जिसको महरम बनाने की ख्वाहिश ही मकसद हयात थी। कोई दरिंदा उसको अपनी हवस का निशाना बनाना चाह रहा था। वो उसकी गिरफ्त में मचल रही थी। कोई है, बचाओ। इल्तिजा बुलंद हुई। इल्तिजाओं का सिलसिला तवील होता जा रहा था। आंसुओं से आंखें तर थी। नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, वो बड़बड़ाया। बेचैनी से तकिए पे सर पटक रहा था। चीखता हुआ वो हड़बड़ा कर उठा। इर्द गिर्द देखा तो वो अपने कमरे में था। चंद लम्हे तो समझ नहीं आई, इतना भयानक ख्वाब। कमरे में एयर कंडीशन ऑन होने के बावजूद भी उसका चेहरा पसीने से तर था। बेचैनी सारे वजूद में फैल गई। हाथ बढ़ाकर उसने लाइट ऑन की। तेज रोशनी आंखों में चुभ गई। बेड की साइड पे पड़ा मोबाइल उठाया, पास कोड डाल के होम स्क्रीन पे जो चेहरा नजर आया उसकी जिंदगी था। कुछ सोचकर मैसेज टाइप किया और सेंड कर दिया। जब तक जवाबी मैसेज वसूल नहीं हुआ उसको नींद नहीं आई। कुछ ही देर बाद मैसेज जवाब आ गया, साथ एक तस्वीर मौसूल हुई थी। मासूम सा चेहरा जो इस वक्त नींद की वादी में उतरा था। उसने सुकून का सांस लिया था और मोबाइल एक तरफ रख के खुद वजू करने वॉशरूम में घुस गया। वक्त का काम है गुजरना तो गुजरता रहता है। वलीद ने फैसला दानिया की जिद के आगे मजबूर होके किया था। 3 साल का अरसा बीतने को आया था। एक दिन वो भी सुकून से नहीं रहा। रातों को ख्वाब से जाग जाता तो दानिया का नाम पुकार उठता। जगह जगह दानिया का गुमान होता था। मोहब्बत दिन ब दिन शिद्दत पकड़ती जा रही थी। दिल करता था भाग के चला जाए, कहीं सुकून नहीं मिल रहा था। दानिया का भी सुकून रूठे अरसा हो गया। वो सनिया बेगम के साथ आ गई थी। सनिया बेगम समेत घर के हर फर्द ने उसको हाथों का छाला बना के रखा था। दानिया ने मास्टर्स के बाद खुद को घर तक महदूद कर रखा था। सारा दिन गार्डन में लगे पौधों के साथ दिल बहलाने के साथ पप्पू और बाकी घर वालों का ख्याल रखना उसके दिन का अहम हिस्सा था। और 1 साल बाद एक नन्हे फूल शेरू की आमद उसके लिए खुशगवार साबित हुई। यूं ही उसके दिन गुजर रहे थे। कभी कभार वलीद के कमरे के जानिब कदम ख्वामखा उठ जाते थे तो वहाँ बैठे वो ज़ारो कतार रोती थी। वलीद को ढूंढती, सवाल करती। शायद अनकरीब उनका इंतज़ार ख़त्म होने वाला था या बढ़ने वाला था, खुदा जाने। 3 साल बाद हफ्ते का दिन था। अहमर बैठा टीवी लाउंज में अखबार पढ़ रहा था तो दानिया फ्रेश जूस बना के लाई थी अहमर के लिए। अस्सलामु अलैकुम भाई, ये ले जूस। दानिया ने सलाम करते हुए जूस अहमर के आगे रखा। वालेकुम अस्सलाम मेरी गुड़िया, शुक्रिया, अहमर ने पुशफ़क़त लहजे में कहा। शेरू उड़ गया है क्या? दानिया ने अहमर के 2 साला शैतान के बारे में पूछा था जिसमें उसकी जान बसती थी। जारून अहमर, जिसको प्यार से दानिया शेरू कहती थी। हाँ उठ गया है, पप्पू कर रहा है, फिल्जा उसका पैम्पर चेंज कर रही थी, आ जाता है, अहमर ने हंसते हुए कहा, क्योंकि सब उन दोनों के पैर से वाकिफ थे। इससे पहले कि दानिया कुछ कहती अहमर का फ़ोन बज उठा। सुबह सवेरे ये नंबर देख के अहमर का दिल बेसाख्ता बोला था कि खुदाया खैर। तभी फिल्जा शेरू को लेके बाहर आई। लो पकड़ो संभालो उसको। सुबह उठते अगर पप्पू की शक्ल ना नजर आए तो लड़का रे रे करके माँ को बदनाम करवा देता है। पता नहीं मैं कौन से जुल्म करती हूँ उस पर। फिल्जा ने दानिया को देखते हुए कहा था, जो हंसते हुए शेरू को पकड़ चुकी थी। जो अब पप्पू के पास आके उसके बालों में मुंह छुपा रहा था तभी अहमर मोबाइल लेके बाहर निकल चुका था। सब ठीक है ना, तुम ठीक हो? अहमर ने फोन कान से लगाते हुए छूटते ही पूछा था। दूसरी तरफ से जवाब ने उसको तसल्ली देने के साथ साथ एक खुशखबरी भी दी थी जिससे अहमर जी उठा था। इतवार का दिन था, सब लाउंज में बैठे हुए थे। मुस्तफ़ा और अहमर कोई कारोबारी मामला डिस्कस कर रहे थे और सीनिया बेगम और फिल्जा अपनी गुफ्तगू मसरूफ थी जिसमें दानिया भी बीच बीच में हिस्सा ले लेती थी।
उसकी सारी तवज्जो सामने बैठे शेरू पे थी, जो खीर कम खा रहा था, खेल ज्यादा रहा था स्पून के साथ। तभी किसी का कदावर वजूद लाउंज में अपनी मखसूस खुशबू लिए दाखिल हुआ था और बुलंद आवाज में सबको सलाम करते बैठे हुए सब वजूद को गोया पत्थर का कर दिया। सानिया बेगम को यकीन नहीं था 3 साल बाद अपने घबरू जवान बेटे को सामने देख के, जो उन गुजरे माह साल में वक्त के थपेड़े को सहने के साथ और भी खूबरू हो गया था, या सिर्फ उनको लग रहा था। वही साफ और शफाफ रंगत, मजबूत कसरती बाजू, चौड़ा सीना, कशादा पेशानी, बेखौफ आंखें और दराज कद उसको सबसे मुनफर्द बना रहा था। चेहरे पे बढ़ी हुई शेव उसकी संजीदगी को बढ़ा रही थी। सानिया बेगम तेजी से उसके पास आई और उसको सीने से लग के अपनी ममता की प्यास बुझा रही थी। सब अपनी अपनी जगह साकिन थे। दानिया को भी अपनी सांस अटकती महसूस हो रही थी, जो पिछले 3 सालों में उसके दुखों की वजह बना था, आज उसके सामने आ गया था। उसको अपना वजूद सुन होता महसूस हुआ। फिर वो हिम्मत जमा करते खुश होते हलक को तर करती उठ के कमरे में भागी थी। मां के गले लगे वलीद से ये मंजर भी छुपा नहीं था। कमरे में आते हुए फूट फूट कर रो पड़ी थी। अब क्या होने वाला था उसके साथ? क्या वो उसको छोड़ देगा? कहाँ रहा होगा? अपनी जिंदगी तो जी आया होगा, मुझे क्यों सूली पे लटकाए रखा? अब क्या मेरी बेबसी का तमाशा देखने आया है? ऐसे बेशुमार सवालात थे जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। अहमद सबको सबूत दिखा चुका था, वो सब बातें जो वलीद ने उसको बताई थी और वीडियो जिसमें फरहान ने अपने जुर्म का इकरार किया था। 3 साल के जानलेवा इंतजार के बाद बिलाखिर उसको फरहान का पता लग गया था, जो पहले कराची और फिर वहां लंदन चला गया था। 2 साल पहले फरहान का ताल्लुक किसी अमीर घराने से नहीं था। बाप उसका जिंदा नहीं था, माँ बहन ही थी और ना ही उनका अपना कोई घर था। वो अपने मामू के घर रहते थे। इलीगल तरीके से वो 2 साल पहले बैरून मुल्क आया था, तो शहरों शहर घूम के आजकल लंदन में आबाद था। जब वलीद को इत्तला मिली थी, फरहान ने ना सिर्फ अपने गुनाहों का एतराफ़ किया बल्कि माजूरत भी की थी कि कैसे अपनी बेइज्जती के बदला लेने के लिए उसने दानी और वलीद की तस्वीर को गलत रंग दिया। उस रात जिन फंक्शन में बेइज्जती के बाद वो गुस्से से निकला था, तो अपनी बाइक की चाबी अंदर भूल आया। चाबी लेने आया तो वलीद को दानिया के साथ देखा। तभी शैतानी मनसूबा जहन में आया और तस्वीरें लेके उसको एन अहमर के वलीमे और दानिया की निकाह के दिन इस्तेमाल करके वलीद से अपनी बेइज्जती का हिसाब चुकता किया। जब बदले की आग ठंडी हुई तो दानिया को देख के उसका जहन कुछ और प्लान बना चुका था, मगर इज्जत को बचाने वाला खुदा है। ये सब कुछ करने के बाद फरहान अब खौफजदा होकर भाग निकला था, क्योंकि वलीद से मुकाबले की ताकत उसमें नहीं थी। 3 साल बाद वो लुटी हालत में था, ना पास कोई काम था ना कोई ठिकाना। दूसरों को धोखा देने वाला के साथ भी बुरा ही होता है। कहते हैं जो दोगे वही वापस आएगा, चाहे धोखे दो चाहे खलूस। वलीद उसको देख पे काबू हो गया था, जिसकी वजह से उसके 3 साल और एक मासूम लड़की की इज्जत पे हर्फ आया। बमुश्किल फरहान के दोस्तों ने वलीद से छुड़वाया था उसे, मगर अब वलीद को उसकी माजूरत का क्या करना था? जो उसकी जिंदगी में तूफान आ गया था, वो बहुत कुछ बहा के ले जा चुका था। अलीजे की भी इज्जत अफजाई उसके वालिदैन समेत उसके ससुराल रिश्तेदारों के सामने वलीद ने की थी। वो कहाँ किसी को माफ करने वाला था, और दानिया के गुनहगारों को तो कभी भी नहीं। उस वक्त सब एहसान विला में बैठे हुए थे। वलीद सा झुकाए बैठा हुआ था, कभी एहसान साहब के ताने शुरू हो जाते तो कभी फातिमा बेगम उन 3 सालों में अपनी बेटी के गमों का हिसाब मांगने लग जाती। वलीद चुप बैठा हुआ था। मैं इस तकलीफ का मदावा तो नहीं कर सकता, मगर अब आप लोग जो चाहेंगे वही होगा, मुस्तफ़ा साहब ने वलीद की तरफ देखते हुए कहा था। वलीद उनका मतलब समझ गया, तभी तड़प उठा था। माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे, मगर अब मेरा बोलना नागुजेर हो चुका है। कोई भी मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? 3 साल पहले भी किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, मगर मैं कुछ नहीं बोला। आप लोगों ने मेरे बेगुनाही का यकीन तक नहीं किया। आपकी सवाल करती नजरें मुझे मेरी ही नजरों में गिरा देती थी। तब मैं यहाँ से जाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि इस सब से मेरा दम घुटता था। मैं क्या खुशी खुशी सबसे दूर रहा? नहीं, मैं भी पल पल तड़पा हूँ। खुद को इस्टेब्लिश करने के चक्कर में खुद से दिन में हजारों बार जंग लड़नी पड़ती है। मैं नहीं चाहता था जब वापस जाऊं तो खाली हाथ जाऊं, ताकि आप लोग उसको मेरी ज़िंदगी से निकाल ना दें। आज एक कामयाब बैरिस्टर बनकर अपनी और अपनी बीवी की बेगुनाही का सबूत लेके आया हूं, और जिससे मेरी निकाह हुआ था वो मेरी ज़िंदगी है। आप लोग अब उसको छीनने की बात करें, मैं इस बार चुप नहीं रहूँगा। क्या गलती थी मेरी इस सब में आप सब बताएं? क्या मर्द को तकलीफ़ नहीं होती? वो बेहिस होता है। इजाज़त चाहता हूँ अब मैं, मगर मेरी बीवी को मुझसे अब कोई दूर नहीं कर सकता। वलीद बोलने पे आया तो बोलता ही चला गया। 3 साल का गुब्बार तो अभी तो इस दुश्मन जान को भी मनाना था, जो दिन रात की नींदें हराम की हुई थी। इससे पहले कि बाहर निकलता, एहसान साहब की आवाज़ गूंजी थी, ठहरो, पहली बार आए हो शादी के बाद, कुछ खाए पिए बगैर ही जाओगे क्या? एहसान साहब की आवाज़ पे सब हैरान होते खुशी से मुस्कुरा दिए। वलीद भी खुशी से मुड़ा था और उनके गले लग गया था।
अब मेरी बेटी को कोई दुख नहीं देने वाली, मुझ में अब मजीद सकत नहीं है, एहसान साहब ने गुजारिश की थी। अंकल मैं वादा करता हूँ उसकी जान से बढ़कर हिफाजत करूंगा, वलीद ने पुख्ता लहजे में कहा। ममानी मुझे माफ़ कर दे, वलीद पास बैठी फातिमा बेगम को अपने साथ लगाते बोला, बच्चों से गलतियाँ होती ही रहती है, तुम गुमराह नहीं हुए तो तुम्हारी माफ़ी के लिए यही बहुत है। मेरा बच्चे, अब मेरी दानिया को खुश रखना, फातिमा बेगम ने उसकी परेशानी चूमते हुए कहा था। चले जाए बेगम, चाय पानी का बंदोबस्त करें, हमारी बेटी के ससुराल वाले आए हैं, एहसान साहब ने हंसते हुए माहौल को खुशगवार किया था। ओए खोते, बाप से नहीं मिलेगा, मुस्तफ़ा साहब ने नम आंखों से कहा था। जब से वलीद आया था तब से बाप की बेरुखी ही सह रहा था। बाबा आई एम सॉरी, मैं आपका बहुत नालायक बेटा हूँ। वलीद की खुशी की इंतहा नहीं थी, बिल्कुल नहीं, तू मेरा बैरिस्टर बेटा है, बैरिस्टर वलीद मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा साहब ने फख्र से कहा था और अपने साथ सोफे पर बिठाया था। बेटा अभी इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, सबसे अहम काम मेरी बहन को मनाना है जो घर बैठी हुई है। अरे मैंने उसे हंसते देखा तो सरगोशी की थी, उफल्ला भाई क्या याद करवा दिया है, वो पूरी शेरनी बनी घूम रही है, वलीद ने कहा था। हाँ तो खुद को बड़ा शेर कहता है, भूखा था वैसे तो, कब से डरने लग गया दानिया से, अहमद ने मजाक उड़ाया था। डरता नहीं हूँ मैं किसी से, वो तो बस बीवी बन गई है तो दिल नहीं करता डांटने को, वलीद ने हंसते हुए कहा। सदके जाऊँ तुम्हारी मन तक के, सिर्फ बीवी बन गई है या कुछ और भी मामला है, अहमद कौन सा कम था, भाई की रग रग से वाकिफ था। भाई अब आप यूँ मुझे ब्लैकमेल करोगे, वलीद अब मसनू गुस्से से बोला। वलीद अहमद से वक्तन फोक्तन दानिया की तस्वीरें मंगवाता रहता था, इस बात पे अहमद ने उस पर चोट की थी तभी फातिमा बेगम लुआजमात के साथ लाउंज में दाखिल हुई थी। घर वापसी पे काफ़ी रात हो चुकी थी, वलीद बहुत खुश था, अरसे बाद वो अपना घर था, अपनों के बीच जा रहा था, सब अंदर की जानी बढ़ गए। वलीद एक नज़र सारे घर पर डालता अंदर दाखिल हुआ तो आवाज़ रुक गया, मुस्तफ़ा साहब कमरे में जा चुके थे। फुप्पू मुझे घर जाना है, दानिया सामने खड़ी थी, पास ही बैग तैयार पड़ा था। वलीद का दिमाग घूम गया, आज भी ये अलीहदगी पे डटी हुई थी तो फिर 3 साल का इंतज़ार किया था, जो अहमद भाई कहते थे कि वो तुम्हारा इंतज़ार करती है तो क्या वो सब झूठ था, किस खुशी में, और ये तुम्हारा असल घर है, वलीद 3 साल बाद बोला था दानिया से। तो क्या दानिया जो कभी उस आवाज़ को सुनने के लिए तरसा करती, जब्त से आंखें मैच गई। अहमद ने घूर के वलीद को देखा था जिसका साफ मतलब था थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखो। वलीद भी सब्र का मजाहरा करता साइड पे हुआ था, मुझे घर जाना है, दानिया ने बमुश्किल कहा था, आवाज़ कपकपा रही थी। वलीद का दिल भी तड़पा, दिल कर रहा था अभी उसको खींच के सीने से लगा ले सारे शिकवे उसके दूर कर दे, अपनी बेचैनियों की सारी दास्तानें सुना के उसको अपने प्यार का यकीन दिला दे, मगर अभी भी थोड़ा वक्त और सब्र दरकार था। देखो मेरी जान, थोड़ा सा वक्त तो सब ठीक हो जाएगा, जिंदगियों के फैसले यूँ नहीं किया करते, सानिया बेगम कभी ये नहीं चाहती थी और वो ये भी जानती थी कि उनकी भतीजी भी इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहती। इन 3 सालों में जब कभी ख़ानदान वालों ने हमदर्दी जताते हुए कहा था कि किसी मौलवी से मशवरा करके फारिग करवा लो बेटी को, तो दानिया इस बात पे दहल जाया करती थी, ये बातें उनसे छुपी नहीं थी जब वो कई कई पल वलीद कमरे में गुजारा करती थी। फैसला तो 3 साल पहले किसी ने सुना दिया था, दानिया की आवाज़ अब की बार कदरे हल्की थी, अलबत्ता वलीद ने सुन ली थी, कैसे उसकी बदगुमानियाँ दूर करेगा, वो ये सोच के रह गया आखिरी मौका देके देखो इस रिश्ते को, उसके बाद जो तुम चाहोगी वही होगा। सानिया बेगम ने इल्तिजा की, अहमद ने भी दानिया के सर पे हाथ रखते हुए इल्तिजा की और फिलजा को इशारे से दानिया को उसके रूम में ले जाने का बोला। फिलजा इशारा पाते उसको साथ लगाए अंदर ले गई। मामा फिक्र ना करें, मैं सब ठीक कर दूंगा, वलीद ने परेशान बैठी सानिया बेगम के हाथों में लेके चूमते हुए तसल्ली से कहा। वो नम आंखों से मुस्कुरा पड़ी थी। फिलजा दानिया को अंदर लाई तो भड़क उठी थी वो, अजीब पागल लड़की हो तुम, अब जब सब कुछ ठीक होने जा रहा है तो तुम सब कुछ खत्म करने लगी हो, फिलजा ने उसको डांटा। दानिया ने फिलजा का हमेशा एक बहन सा ख्याल रखा था तो क्यों उसका बुरा सोच, तो भाभी मैं क्या करूं, सब कुछ भूल जाऊं, अपने 3 साल की तकलीफ है, अब अचानक 3 साल बाद अपनी जिंदगी गुजार के मेरी जिंदगी में तूफान बर्पा करने आ गए हैं, क्यों, उन 3 सालों में लोगों के किन किन नजरों का मैंने सामना किया वो तो मैं ही जानती हूँ, दानिया बिलबिला उठी थी। तो मेरी जान यूं हार मान के क्या हो जाना है, ये तुम्हारा घर है, मैं कब कह रही हूँ अपनी तकलीफ को भूल जाओ, वक्त दो देखना सब ठीक हो जाएगा, एक दूसरे को एक मौका देके तो देखो, ये तुम्हारा घर है, फिलजा उसके आंसू साफ करते बोली थी। हाँ मेरा घर है, कल को चाहे ब्रेकिंग न्यूज सुना दे, मेरी दूसरी बीवी भी है जो जल्द इस घर में आएगी, मगर पहले बीवी को घर से जाना होगा, तो बेहतर नहीं होता खुद ही चली जाऊं, दानिया ने रोते हुए अपने एक और खच्चे का ऐलान किया। उफ मेरी जान, क्या क्या सोच के अपनी जान हल्कान कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तुम्हारा घर है, तुम चाहो तो उस नालायक को घर से निकाल बाहर करो, फिलजा ने हंसते हुए उसके आंसू साफ किए थे। चलो अब सो जाओ, अच्छा अच्छा सोचो,
सबसे अहम बात ये तुम्हारा घर है मेरी चंदा, फिलजा ने उसको प्यार करते हुए कहा था। अच्छा अब रोना मत, मैं तुम्हारे लाडले को देख लूँ, फिर ना उठ के बैठ गया हो, मुश्किल से सुलाया था, और तुम सुबह मुझे फ्रेश मिलना। फिलजा ने उसको वॉर्न किया था तो शेरू के जिक्र पे हौले से हंसी थी। फिलजा भी हंसते बाहर निकल गई। अब उसका रुख अपने देवर के कमरे की तरफ था और होंठों पर मुस्कुराहट थी। उसने दस्तक दी थी और दरवाजा खुला था तो सामने ही दोनों भाई सर जोड़े बैठे नजर आए। आए भाभी, वलीद ने फिलजा को कहा। अभी ठीक से तो फिलजा ने भी मुलाकात ना की थी। हाँ जी, तो अगली ब्रेकिंग न्यूज़ कब ब्रेक कर रहे हो देवर जी? एक मिनट एक मिनट, कहीं दोनों भाई उसकी प्लानिंग तो नहीं कर रहे सर जोड़े? फिलजा ने चेहरे पर संजीदगी तारी किए पूछा। वलीद और अहमर हैरान हुए। कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ भाभी और कौन सी प्लानिंग? वलीद ने पूछा। अरे भाई मुझसे क्या छुपाना, यही कि दूसरी बीवी कब ला रहे हो और हमारी दानिया कब, मतलब अपनी पहली बीवी को कब घर से निकाल रहे हो? फिलजा ने दानिया का खर्चा अपने अल्फाज में बयान किया। वाट, दूसरी बीवी? यहाँ पहली करके ये हाल हुए और आप दूसरी की बात कर रही है? वलीद ने दुखी लहजे में कहा। भाई अक्सर ऐसा होता है, देखा है ना, तो पूछा है कि कहीं कल सुबह ब्रेकिंग न्यूज ना सुना दो कि तुम्हारी एक और बीवी भी है। अबकी फिलजा ने हंसते हुए कहा था। दानिया का खर्चा गलत साबित हुआ था तो उसके दिल को भी तसल्ली हुई थी। क्या फजूल बात है फिलजा, अहमद नागवारी से बोला। अरे जनाबी मैं नहीं, ये मेरी मासूम देवरानी का इरशाद है। बेचारी खुद को इस सोच में हलकान कर रही है, फिलजा ने हंसते हुए कहा। ओह खुदाया, इधर मैं 3 साल मैडम का जॉब लिए कई कई घंटे सड़कों की खाक छाना करता था, क्या करूं मैं तुम्हारा दानिया? वलीद ने माथे पे हाथ मारा। अहमर और फिलजा उसकी हालत पे हंस पड़े थे। अब सारी रात उस फिक्र में ये लड़की खुद को हलकान करेगी, सुबह से भी अपना खून जला चुकी होगी, बजाय के बदगुमानियां कम हो उसका जरखेज दिमाग और बढ़ा रहा है। इस लड़की को कोई बताए इन 3 सालों में मुझे किसी और का ख्याल भी छू के नहीं गुजरा, और ये मोहतरमा खुद पे सौतन भी ले आई है। वलीद का बस नहीं था कि उसके पास जाके अपनी बेकरारियों से उसके होश ठिकाने लगाते। अहमर और फिलजा के ऊंची आवाज में हंस पड़े थे। आओ आशिक साहब इधर आ, आराम से बैठ, अहमर ने हंसते हुए उसको पास बैठने को कहा था। नहीं भाई मुझे उसके पास जाना चाहिए, मैं बात करता हूँ जाके। हाँ ये ठीक है, वलीद ने सोचते हुए जल्दी से बाहर जाना चाहा। रुक जाओ वली, क्यों आधी रात बीवी से जूते खाने हैं तुम्हें? अभी जाना मुनासिब नहीं है यार, अहमर ने बमुश्किल उसको रोक के पास बिठाया था। तुम्हारे भाई ठीक कह रहे हैं, वाकई ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम 3 साल पहले यहाँ से किन हालात में गए थे, बाद में कोई रब्ता तक नहीं किया, अब यूँ अचानक उसके सामने आए हो तो उसका रिएक्शन इतना तो आएगा ना, और खर्चे तो उसके भी अपने जगह ठीक है, उसको थोड़ा सा वक्त दो, मैं भी उसको समझा के आई हूँ, तुम भी सब्र करो, कल कोई मुनासिब वक्त देख के उससे बात करने की कोशिश करना, फिलजा ने भी उसको समझाया था। जी भाभी आप शेरू की सुनाएं, वो सो गया क्या? वलीद ने बात को समझते हुए बात का रुख अब शेरू की तरफ मोड़ दिया। हाँ माशाल्लाह वो भी ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही सुलाया है मैंने उसको। भाई तुम्हारी बीवी का दीवाना है वो तो, फिलजा ने शरारत से कहा। उसका मतलब है शुरू से बना के रखनी पड़नी है, वलीद ने शरीर लहजे में कहा। अब माहौल हल्की फुल्की बातों से कुछ बेहतर हुआ था, तब अभी भी उन दोनों भाइयों के आपस में रबते से नावाकिफ थे। वलीद ने अहमर को सख्ती से बताने से मना किया हुआ था जब दानिया ने उसको तलाक का बोला था। वलीद ने 7 दिन का टाइम लिया था, इस दौरान वो सोच चुका था कि वो दानिया को नहीं छोड़ेगा, मगर अगर वो यही रहता तो ये नामुमकिन था। सबने दानिया की बात को अहमियत देते हुए वलीद को अलहदगी पर मजबूर कर देना था, जो मर के भी नहीं चाह रहा था। यही बात जब उसने अहमर से पूछी थी कि क्या वो दानिया को तलाक दे देगा, तो वलीद ने साफ अल्फाज में इनकार किया और यहाँ से जाने का फैसला किया, ताकि वो दानिया से दूर होता कि वो ये तलाक वाला भूत उसके सर से हटा सके और इन दोनों पे इल्जाम लगाने वालों को बेनकाब कर सके। सबसे अहम बात, वो इस रिश्ते को बचाना चाहता था। अहमद ने उसके कागजात बनवाने में बेहद मदद की थी, यूं वो दानिया से मिलने के अगले दिन चला गया था। उसको नहीं पता था कितना वक्त लगेगा, मगर वो खुद को दानिया के काबिल बनाना चाहता था, ताकि कल को अगर वो दानिया की मुखालिफत के बावजूद भी उसको अपनाने का ऐलान करे तो उसमें कुछ तो हो के बड़े उसके खिलाफ ना जा सके। कराची में उसकी यूनिवर्सिटी का कैंपस था जिसमें वो अपनी माइग्रेशन करवा चुका था। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और साथ एक जॉब भी शुरू कर ली थी। एक बड़ी रकम उसको अहमर भेजा करता था। अपनी मेहनत से वो मुख्तसरन अरसे में अपना नाम बना चुका था। अगली सुबह दानिया खुद पे काफ़ी हद तक काबू पा चुकी थी। खुद सनिया बेगम की बिगड़ती तबीयत को देख के कुछ फिलजा की बातों का असर था, आखिर को उसका ही घर था और वैसे भी उस शख्स को सबक सिखाना था उसे। वलीद सो के उठा तो बाहर आया, वक्त काफ़ी हो चुका था। टीवी लाउंज में आके माँ और भाभी को सलाम किया और शेरू को उठाकर प्यार करने लग गया। उठ गए तुम बेटा, नाश्ता कर लो, हमारा तो अब लंच का वक्त हो गया, सनिया बेगम ने प्यार से देखते हुए कहा।
जी बस रात को भाई और भाभी से बातें करते वक्त का पता ही नहीं चला, वरीद ने शेरू को प्यार करते हुए कहा जो उसकी शर्ट के कॉलर से खेल रहा था। हाँ जाओ दानिया किचन में, फिलजा ने हंसते हुए कहा था। पहले बताना चाहिए था ना, वलीद कौन सा कम था, हंसते हुए कहा और किचन की तरफ बढ़ा। अरे उसको देते जाओ, मैं नहीं चाहती भतीजा चाचू को रुसवा होते देखे, फिलजा ने हंसते हुए कहा था। उड़ा ले मजाक जितना उड़ाना है, बस एक बार आपकी दरानी लाइन पे आ जाए। चलो प्रिंस मैं अपने मिशन पे जा रहा हूँ, वलीद ने हंसते हुए शेरू फिलजा को दिया था और किचन की तरफ बढ़ गया। दोनों खातिन ने उन दोनों की खुशियों की दुआ मांगी। किचन में दाखिल हुआ तो दानिया सलीके से दुपट्टा लिए चूल्हे के सामने हांडिया में चम्मच हिलाते मुख्तलिफ मसाले चाट डाल रही थी और काम वाली कनोल उसके हाथ बटाने के साथ साथ उसको किस्से सुना रही थी। तभी कनोल की नज़र किचन के दरवाजे पे खड़े वलीद पे पड़ी। वलीद भाई आप नाश्ते में क्या लेंगे, कनोल ने कहा था। वलीद के नाम पे दानिया का चम्मच हिलाता हाथ एक पल को रुका मगर फिर वो अपने काम में मगन हो गई। वलीद ने कनोल को आंखों से इशारा किया था तुम जाओ मुझे जो चाहिए होगा मैं ले लूंगा। वो समझते कुर्सी से उठी थी, मुझे पानी चाहिए, वलीद ने कहा और साथ ही कनोल को आंखों से इशारा किया था। दानिया आप ही भैया को पानी दे दे, मैं जा रही हूँ बड़ी बीबी की मॉलिश करनी है वरना डांट पर जानी है, कनोल कहते हुए तेजी से निकली थी। वलीद ने जब दानिया को टस्ती मस होती ना देखा तो कुर्सी खींच कर बैठ गया और फिर बोला पानी चाहिए मुझे। वलीद ने कहा हाँ नौकर लगी हूँ ना मैं, निकम्मे इंसान एक पानी का गिलास खुद से नहीं ले सकते, दे दो दानिया ये तो सवाब का काम है, चलो शाबाश, दानिया ने खुद को कायल करते हुए कहा था और ना चाहते हुए फ्रिज की तरफ बढ़ी और कैबिन से एक गिलास निकाल के गेंद और गिलास टेबल पर पटकने के अंदाज में रखा। वलीद के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई, दानिया वापस अपने काम में मसरूफ हो गई थी। वलीद ने इस खामोशी को तोड़ा दानी कैसी हो, दानिया का तो हाथ क्या दिल एक पल को रुका था, कितना तरसी थी उस लहजे को सुनने के लिए, कैसे पागलों की तरह ढूंढा करती थी इस आवाज को, अब जब वो जीने की आदत डाल चुकी थी तो वो आ गया था उसको एक बार फिर तोड़ने, उसके दिल ने दुहाइयां देना शुरू की थी। वो तेजी से किचन से बेचैन होती टांगों के साथ निकली थी। वलीद सर्द सांस खारिज करके रह गया। दानिया छत से कपड़े उतार लाओ, फिलजा ने उसके कमरे में झांकते हुए कहा था। अच्छा मगर भाभी छत पे तो कपड़े नहीं फैलाती कनोल, दानिया ने पूछा था। ओ आज फैला के आई थी, जाओ तुम जरा मैं शेरू को देख लूँ, फिरजा ने गड़बड़ाते हुए कहा। जी मैं देखती हूँ, दानिया कहते आगे बढ़ी, चिड़िया उबुर करते छत पे आई, वहां कुछ भी नजर ना आया। आगे बढ़ी तो एक तरफ रोशनी नजर आई, तजस्सुस के हाथों आगे बढ़ी थी तो एक टेबल और दो चेयर्स पड़ी हुई थी, इर्द गिर्द फेरी लाइट्स ने माहौल को ख्वाबनाक बनाया हुआ था। रात की तारीखी थी, जाती सर्दियों के दिन थे, इस पर मौसम में खुनकी महसूस हो रही थी और थोड़ा आगे बढ़े तो सॉरी का एक बड़ा सा काफ पड़ा हुआ था टेबल पे। उसको एक पल लगा था समझने में कि ये किसके काम है, वो फौरन गुस्से से जाने के लिए मुड़ी, एक मिनट में समझ गई ये किसकी हरकत है और क्यों की गई है, बाकी किसी तरफ ध्यान ही नहीं गया और वापसी को पलटी थी तो सामने खड़े वजूद से टकराई। सामने वलीद था, अपनी तमाम तर वजाहत समेत आंखों में एक अलग प्यार और मोहब्बत का जहां समाए, वो दानिया को ही देख रहा था। दानिया के लिए जैसे दुनिया ठहर गई। वलीद ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और अपनी पेशानी उसकी पेशानी से जोड़ के आंखें बंद करके कर ली। कितना वो इन पलों का इंतजार किया करता था, दानिया को महसूस कर रहा था। दानिया की हालत भी मुख्तलिफ ना थी। आई मिस यू टू मच, वलीद की नम आवाज दानिया के कानों में गूंजी, दानिया का आंसू टूट के गिरा था। वलीद तड़प उठा, दानी आई एम सॉरी रियली सॉरी, वलीद ने बेसाख्ता कहा। बस यही पे दानिया की हिम्मत ने जवाब दिया, सहर टूटा और वो इन फुसुखैज लम्हों से बाहर निकली और वलीद को झटके से खुद से अलग किया। वो जो दानिया को महसूस करने में मगन था उसके लिए तैयार नहीं था, दूर होते आंखों में हैरत लिए दानिया को देख रहा था जिसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। वाह वलीद साहब वाह, सॉरी बस सॉरी, आपका ये लफ्ज मेरे 3 सालों का हिसाब दे देगा क्या, मैं किन किन हालात से गुजरी, लोगों की किन किन नजरों का सामना किया, आप किसी एक का भी अंदाजा नहीं कर सकते। मुझे यहाँ अकेला छोड़ खुद तो चले गए थे ना, मुझे किसके भरोसे छोड़ा था, हाँ बोले अब, दानिया हिस्सियानी अंदाज में चीखी थी। वलीद चुप था, वो दानिया को ही सुनना चाहता था। क्यों आए हैं अब, अपनी जिंदगी तो गुजार ली है ना, अब क्यों वापस आए हैं, मैं तो जी रही थी, तब आपको मेरा ख्याल ना आया जब मुझे खानदान वाले तरह आमेज नजरों से देखते थे और बेचारी कहते थे, सब कहते थे आपने अपनी जिंदगी शुरू कर ली है और क्यों वो एक अनचाही लड़की की खातिर जिंदगी गुजारेंगे, अब बताएं किसको अपनी जिंदगी को शामिल कर लिया है और ये सारा ड्रामा करके मेरे सामने अच्छा बनने आए हैं। दानिया ने उसका गिरेबान पकड़कर अपनी तकलीफों के साथ साथ खर्चों को भी उसके सामने रखा था। मेरी जान जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, जब जब तुम्हें तकलीफ हुई तड़पा मैं भी हूँ,
तुम्हें किसने कहा? मैं 3 साल सुकून से रहा, हर दिन और हर रात तुम्हारी याद में ही गुजारा है। मैं कौन सा दिल से ये फैसला करके गया था? मुझे तुम पे से कोई सब इल्जाम हटाने थे। वलीद ने उसका चेहरा नरमी से अपने हाथों में लेते हुए कहा था। दानिया ने हिचकी ली। सब कहते थे खुद तो वलीद अपनी जिंदगी गुजार रहा होगा, तुम क्यों उसके नाम पे बैठी हुई हो? ला ले लो किसी मौलवी से रुजू करके, मगर पता नहीं क्यों मैं नहीं मानी। मगर वो सब ठीक कहते थे, आप अपनी जिंदगी गुजारे जिसके साथ मर्जी गुजारे, मगर हाँ अब मुझे आजाद कर दे। दानिया ने बम फोड़ा, क्या बकवास कर रही हो? पहले एक बार यही बात बोली थी तुमने तो 3 साल के लिए जिंदगी से निकल गया था। अब अगर ये बात दोबारा तुम्हारी जुबान पे आई तो खुदा की कसम दुनिया छोड़ जाऊंगा, एंड आई मीन इट। वलीद ने तमाम नरमी एक साइड पे रखते उस बकवास को उसका दिमाग ठिकाने लगाया। वो कैसे ये बर्दाश्त कर सकता था? और उसको वही छोड़ के गुस्से को काबू करता नीचे चला गया। दानिया उसके लहजे की दहशत को महसूस करते वहीं बैठती चली गई थी। रात देर तक जागती रोती रही तो अगले दिन फिलजा के उठाने पे लेट उठी थी। फ्रेश होकर बाहर निकली, मूड खराब था, दिल में दुआ कर रही थी कि वलीद से सामना ही ना हो। दूसरी तरफ वलीद साहब अच्छे खासे तपे हुए थे, सुबह से घूम रहे थे। कुछ दानिया बीबी का सुबह से कमरे से ना निकलना उसका दिमाग और घुमा गया। इससे पहले कि वो अपना जब्त होता और दानिया के कमरे में जाके उसका दीदार करता, अहमद ने फोन करके उसको ऑफिस आने की दावत दे दी। भाई घर में कोई रूटीन को भी फॉलो करता है क्या? किसी एक की भी रूटीन सीधी नहीं है, बिलाकर वो फट पड़ा। क्या हो गया है, आते ही क्यों भड़क रहे हो? किसकी रूटीन सीधी नहीं है? अहमद कोई फाइल स्टडी कर रहा था, उसके इस तरह अचानक आ जाने और फटने पे हैरान होता पूछ रहा। आपकी लाडली की, दिन चढ़ आया है मगर मोहतरमा कमरे से नहीं निकली, ऐसा क्या कर दिया था मैंने कल जो अब तक मुंह बनाया हुआ है? ऊपर से गलती भी खुद की थी, वलीद का बस नहीं चल रहा था। खबरदार जो मेरी बहन को कुछ कहा, इतनी जल्दी थोड़ी मानेंगी, तुमने भी तो इतना सताया है सबको। अहमद ने भी साफ बराबर किया, शौक से नहीं सताया था किसी को, उस मैडम की बातों से बदजन होके इंतहाई कदम उठाया था, मगर उसका दिमाग अभी भी उधर ही अटका हुआ है। मैं अटल बात कह रहा हूँ, अगर अब उसने कभी अलहदगी की बात की तो मेरे से बुरा कोई नहीं हो, मजाल है जो जरा सी भी अकल हो उसमें। वलीद अपनी अंदर की खोलन बाहर निकाल रहा था। अच्छा अच्छा कूल डाउन, कुछ बुरा नहीं होगा, तुम बस सब्र से काम लो, अहमद ने उसको तसल्ली दी और साथ पानी का गिलास पकड़ाया। मामा बाबा और मामू और मुमानी तुम दोनों के वलीमे की बात कर रहे, वो नहीं चाहते मजीद लोगों को उस पर बात करने का मौका मिले, तुम क्या कहते हो? अहमद ने जिस बात के लिए उसको बुलाया था बताए। मैं मेरे कहने से कौन सा कुछ होता है, वलीद अफसुदा की से हंसा था, वो वाकई कल दानिया के रवैये से दिल बर्दाश्ता हुआ था। देख वलीद, दानिया भी अपनी जगह ठीक है, उस बेचारी ने इन 3 साल में बहुत कुछ फेस किया है, अब उसका इतना तो हक बनता है कि थोड़ा सा तो तुम्हें सताए। अहमद ने उसको समझाना चाहा, तो सताने की तरह सताए, वो तो टॉर्चर करे, फिजिकली टॉर्चर से भी बुरा मेंटली टॉर्चर करे। मम्मी वलीद ने मुंह बनाया, तो बैरिस्टर वलीद मुस्तफ़ा तुम्हारा दिमाग किधर गया है? उस दिमाग को इस्तेमाल में लाओ और मेरी बहन को मनाओ, तुम तो खुद हार माने बैठे हो। अहमद ने पते की बात बताई थी, वलीद हौले से हंसा। आप वलीमे की तैयारियों का ग्रीन सिग्नल दे दे, मगर उस महारानी को कुछ पता न लगे, वलीद ने हंसते हुए कहा। ये हुई ना बात, अहमद ने उसको हंसते देखा तो फिर सुकून हुआ। देखता हूँ मिसेस वलीद कब तक मेरे से छुप पाती है, आना तो मेरी पनाहों में है, वलीद ने उसको तस्वर में लाते हुए मुखातिब किया। 3 घंटे बाद वो कुछ लोगों से मिलकर घर दाखिल हुआ तो घर में हलचल मची हुई थी। लाउंज की तफसीली सफाई हो रही थी, हर चीज़ अपनी जगह से हटी हुई थी, कनोल चीज़ों को साफ करने मसरूफ थी। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक दिलकश नज़ारा देखने को मिला, जो सुबह उसको ना देख के झुंझलाहट का शिकार था पुरसकून हुआ। दानिया ने कच्चे पीले रंग का बेल बोटियों वाला डिजाइन पहना हुआ था, बालों की ढीली ढाली चुटिया बनाई हुई थी और दुपट्टा को एक तरफ करके ग्रह लगाई हुई थी और मुलाजिम से पर्दे लगवा रही थी। शेरू मुसलसल उसके पास जाने के लिए रह रहे कर रहा था, फिलजा उसको संभालने की कोशिश में हलकान हो रही थी। सनिया बेगम भी पास बैठी थी। दानिया बच्चे वो लोग कर रहे हैं, तुम आ जाओ, क्यों खुद को हलकान कर रही हो? सनिया बेगम ने प्यार से कहा था। वलीद ने फिलजा के हाथों से मचलता शेरू पकड़ा था, जो चाचा के पास जाके ज्यादा खुश नहीं हुआ था, मगर जैसे ही उसने चॉकलेट पकड़ाया वो उसके साथ खेलने मसरूफ हुआ। दानी क्या हुलिया बनाए घूमती रहती हो तुम, फिलजा ने पास से गुजरती दानिया को टोका। तभी लाउंज में बैठे वलीद को भी शरारत सूझी थी। यकीन करे भाभी, लड़कियां मुझे घरेलू हुलिये में बहुत प्यारी लगती है, वलीद ने उसका मलगजा सा हुलिया आंखों में लेते हुए कहा। मैं बस थोड़ी देर में चेंज करती हूँ, आपको तो पता है मुझे घर के कामों से सख्त चिड़ है, मुझे भी इस हुलिये से वहशत हो रही है, मैं आपके लिए जूस ले आती हूँ। दानिया ने फिलजा को हैरान करने के साथ सनिया बेगम को भी शौक कर दिया। इस सारे वक्त में सिर्फ एक शख्स के होठों पर मुस्कुराहट थी,
अरे कैसी बातें कर रही हो दानी बेटी, तुम्हें तो यह सब बहुत पसंद है ना, सनिया बेगम ने पूछा। लेकिन अब से ये सब पसंद नहीं, दानी ने अपनी तरफ से बहुत बड़ा हिसाब बराबर किया था। अरे माँ परेशान क्यों रही है, ये मेरे वाली बात का रद्दअमल है जो मोहतरमा एक्शन मूड में खड़ी है। वलीद ने हंसते हुए दानिया का सुर्ख चेहरा देखते हुए कहा। खुश फहमी है आपकी, दानिया टीखी थी। माँ हौसला रखे, इन खातून की ऊपरी मंजिल खाली है। वलीद के कहने पर सनिया समेत फिलसा मुस्कुरा उठी। चेरू को खेलता देख के वलीद उठ के लाउन से जाते दानिया के पास से गुजरा था। और तुम यकीन करो मुझे, हर धर्म लड़कियां तो जी जान से अजीज है, और तुम इस वक्त हर धर्मी की अमली तफसीर बनी खड़ी मेरा इम्तिहान ले रही हो। वलीद उसके पास से गुजरता उसके कान में कहता निकल गया। वलीद अपने ऑफिस के कंस्ट्रक्शन के लिए काम शुरू कर चुका था, अभी भी वो इस सिलसिले में जा रहा था जब सनिया बेगम की आवाज़ से रुका। बेटे दानिया को जरा साथ ले जाना, उसने मेरी रिपोर्ट्स लेने हैं और उसको भी थोड़ी शॉपिंग करनी है। सनिया बेगम तो गोया वलीद को खुशखबरी सुनाई थी। मामा अपनी बहू से पूछ ले, जरा मेरे साथ चली जाएगी ना, वलीद ने हंसते हुए पूछा था। तभी दुपट्टा ठीक करती हाथ में कलश लिए अंदर दाखिल हुई थी। वो क्यों नहीं जाएगी भला, आओ दानिया, वो रहमत को किसी काम से मुस्तफ़ा साथ ले गए हैं, तुम वलीद के साथ हुआ हो। सनिया बेगम ने वलीद को कहने के साथ साथ दानिया को बताया। दानिया के तो छक्के छूट गए थे। नहीं मेरा मतलब है पुप्पो, मैं फिर कभी चली जाऊंगी, कहते साथ वो वापसी को मुड़ी तो वलीद ने आंखों से उसकी तरफ इशारा किया और माँ को बावर करवाया था कि कहा था ना मैंने, दानिया बेटा जाओ चलो शाबाश। सुबह से शोर मचाया हुआ है कि फुप्पू आपकी रिपोर्ट्स आज लाजमी लानी है, और वापसी पे तुम फातिमा से भी मिलाना। सनिया बेगम तो यूं प्लान पे प्लान बना रही थी जैसे उनके बीच सब कुछ नॉर्मल हो। दानिया को बोलने पर तोलते देख के वलीद बोल उठा, मामा मुझे देर हो रही है। वलीद ने हाथ पे बंधी घड़ी पे नजर डाली। चलो जाओ ध्यान से जाना, सनिया बेगम ने कहा तो दानिया को मजबूरन जाना पड़ा। माँ फिक्र मत करे आप, वलीद कहते बाहर निकला जो जली बुनी बाहर जा रही थी। देर हो रही है तो जाए, मैं तो जैसे साथ जाने को मरी जा रही हूँ, दानिया दांत पिस के बोली। दानिया गाड़ी में आके बैठी। वलीद ने दानिया की तरफ देखा, मुझे पता है आप क्या कहने वाले, चादर उतार दूँ ताकि लोग ये ना कहे कि इस मॉडर्न वलीद की बीवी कितनी दुखी अनुसी है। दानिया ने एक सांस में बात पूरी की थी। वलीद सर्द सांस खारिज करके रह गया उसके बदगुमानियों पे। तो सुन ले आप बीवी बदल ले, दानिया ने फिर वलीद की दुखती रख पे हाथ रखा, मगर वलीद जब्त करता उसको आंखें निकालने लगा था। यकीन करो मिसेस वलीद, मैं कहने लगा था कि चादर से सर को अच्छे से कवर करो, बाल नजर आ रहे हैं। तुम मिनटों में मरने मारने पे क्यों तुल जाती हो, खुद पे बमुश्किल काबू करते हो बोला था। आप मुझे यहाँ से कैब करवा दे, मैं चली जाती हूँ, आप जाए आपको देर हो रही थी, दानिया ने उसको कहा। बड़ा जुबान चलने लगी है वैसे मिसेस आपकी, पहले तो मम करती रहती थी, बड़ी तब्दीली आई है आप में मिसेस। वलीद ने उसको एक नज़र देख के रोड पे नज़र जमाए। 3 साल एक बड़ा लंबा अरसा होता है तो कुछ तब्दीलियाँ लाजमी हो जाती है वरना दुनिया रोन देती है, दानिया ने तुल्क लहजे में कहा। दानी लाजमी है कि हम उस बारे में बात कर करके अपना आज खराब करें, वलीद ने उसका उतरा चेहरा देखते हुए कहा। मुझे किसी बारे में बात नहीं करनी आपसे, तो मैं बात ही नहीं करनी मुझे, दानिया ने दांत पीसते हुए कहा। ये जुल्म तो ना करो अब दानी, वलीद ने उसके चुप होने पे हंसते हुए कहा, मगर दूसरी तरफ चुप थी। 5 मिनट खामोशी की नजर हो गए थे। यार वैसे इन 3 सालों में यहाँ की लड़कियां बहुत प्यारी हो गई है, वलीद ने बात का आगाज किया था जो कि दानिया के मुताबिक बहुत ही नामुनासिब बात थी। ये आपको बेहतर पता होगा क्योंकि 3 साल पहले भी आप यही काम करते थे और 3 साल बाद भी यही है, तो फर्क का भी आपको ही बेहतर पता होगा, दानिया ने भी हिसाब बराबर किया। वलीद हसबे तौका जवाब आने पे खिलखिला उठा। यार अब तुम मुझ पे शक कर रही हो, अब नजर पड़ी जाती है, वलीद ने उसके सुर्ख पड़ते चेहरे पे नजर डालते हुए कहा जो बेजारी से बैठी हुई थी। वलीद साहब अब बेहतर है कि आप एक लफ्ज़ न बोले वरना मैं चलती गाड़ी से कूदने में एक पल को नहीं सोचूंगी, दानिया ने चबा चबा के एक लफ्ज़ पे जोर दिया। अभी उसका पहला गुस्सा कम नहीं हुआ था, ऊपर से ये इंसान फिर शुरू हो गया था, बिल्कुल नहीं बदला ये आदमी, वहां भी पता नहीं क्या क्या करतूत करके आया होगा, दानिया बड़बड़ाई। वलीद ने अब चुप रहने में आफियत जानी। आज घर पे कोई नहीं था सिवाय दानिया शेरू और कमल के, वलीद सुबह ही निकल गया था, आजकल वो बहुत मसरूफ रहने लगा था। अहमर और मुस्तफ़ा साहब मामूल के मुताबिक ऑफिस गए हुए थे। फिलसा और सनिया बेगम को किसी रिश्तेदारी की तरफ जाना था, उन्होंने दानिया को जाने का बोला था मगर वो साफ इनकार कर गई। वो घर पे शेरू के साथ ही खुश थी, आजकल दानिया को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे सब लोग उससे कुछ छुपा रहे। कल भी जब अहमर भाई समेत लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे सब, मगर जैसे ही दानिया अंदर गई तो सब चुप हो गए। कल मुइज़ भी आया था तो हंसता खिलखिलाता जुमानी बातें करता चला गया। दानिया ने भी अभी शेरू को सुला के बेड पे लिटाया था कि कमल अंदर आई।
दानिया बाजी, बाहर कोई मेहमान आए हैं। कंवल ने अंदर आके दानिया को बोला था, कौन है इस वक्त, कौन आ गया घर पे, भी कोई नहीं है। दानिया ने मोबाइल उठा के टाइम देखा, दोपहर के 3 बजे का वक्त हो रहा था। मैंने पूछा था, वो कह रहे थे कि वलीद मुस्तफ़ा को बुला दे, उनसे मिलना है। बड़ी प्यारी बाजिया है, दो क्या प्यारा मेकअप है और कितनी मॉडर्न लग रही है। कमल शुरू हो चुकी थी मगर दानिया का दिमाग प्यारी और वलीद मुस्तफ़ा को बुला दे, इन दो बातों पे अटका हुआ था। तो क्या जिस बात का डर था वही होने जा रहा है, दानिया का हलक खुश हुआ। चले भी दानिया बाजी, कमल ने उसका कंधा हिलाया। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, दानिया ने खुद को संभाला, दुपट्टा लेके लाउंज की तरफ चल पड़ी जहाँ मेहमान इंतजार कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, दानिया ने लाउंज में दाखिल होते उन दो नए चेहरों को सलाम किया जो दोनों की खुश शक्ल लड़कियाँ थी। खुश शक्ल होने के साथ साथ मॉडर्न भी थी। एक ने ब्लैक कुर्ता और कैपरी जैपन की हुई थी, बाल स्ट्रेट थे और खुले छोड़े थे और उम्र लगभग 26 के करीब लग रही थी। दूसरी लड़की ने भी पैंट के साथ कुर्ता पहन रखा था और मेकअप महारत से किया हुआ था, वो 20 के लग रही थी। वालेकुम अस्सलाम जी, हमें वलीद मुस्तफ़ा से मिलना है, एक लड़की ने बात का आगाज किया था जो 26 की लग रही थी। क्यों, नहीं मेरा मतलब था आप उनके ऑफिस क्यों नहीं गई। दानिया को सख्त बुरा लगा मगर जब्त कर गई, हमें उन्होंने घर का एड्रेस ही दिया था, मेरा नाम आलिया और ये मेरी छोटी बहन महक है, वही लड़की दोबारा बोली और अपना तारुफ करवाया। दानिया को तो जैसे पहले ही गुस्सा आया हुआ था, खास होंगी ना इसलिए घर का एड्रेस दिया है, मुझे क्या। दानिया ने तुलखी से सोचा, किस सिलसिले में मिलना चाह रही हैं आप, दानिया ना चाहते भी पूछ लिया। मेरे ख्याल में आपको पता नहीं है कि वो लॉयर है, पिछले 3 साल से वो कराची में ही थे, हमारे कॉलोनी में, उमा फिर बोली थी, तभी लग गए वहाँ इतने साल। दानिया का हलक खुश्क हो गया। मैं जानती हूँ, दानिया बदिक्कत बोली थी, जी हम लोगों को कुछ अरसे से कुछ लोग तंग कर रहे थे, यू नो हरेसमेंट, तो वलीद हमारा वो केस देख रहा है। उमा ने अब बेतकल्लुफी से वलीद का नाम लिया या दानिया को ही लगा, मगर वो क्राइम केसेस को डील करते हैं, मेरे ख्याल में आपको पता नहीं है, दानिया ने बिना सोचे समझे उन बलाओं से छुटकारा पाने को झूठ बोला। आपको यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ आप लोग, दानिया बोल रही थी कि तभी एक आवाज उभरी, अरे आप लोग आ गई हो, सॉरी मैं लेट हो गया। वलीद अजलत में अंदर आता उन दोनों को देख के बुलंद आवाज बोला, दानिया का दिल दुखा, वलीद हमें 20 मिनट हो चुके आए हुए, उमा ने नजाकत से कहा था, सॉरी मैं बस आजकल थोड़ा मसरूफ हूँ बस इसीलिए, मगर आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, मेहमानों को कुछ सर्व किया, वलीद ने उनको कहते साथ ही सुर्ख चेहरा लिए बैठी दानिया से पूछा था, ला रे कमल, दानिया बदिक्कत कहते उठी थी, ये कौन है वलीद, उमा ने उसका पूछ ही लिया था, ये मेरी कजिन है, वलीद कहाँ पीछे रहने वाला था। दानिया इस तारुफ पे एक लहजे को साकित हुई, अच्छा अच्छा, उमा आगे भी कुछ बोल रही थी मगर दानिया निकलती चली गई लाउंज से, ना चाहते भी दानिया को किचन में आना पड़ा। कमल मेहमानों के लिए कुछ बना के उनको सर्व कर दो, दानिया ने बुझे अंदाज में कहा था। दानिया जल्दी करो यार मेहमानों को भूख लगी होगी, वलीद अंदर आते हुए बोला, क्यों भूखे आए घर से, दानिया को पहले ही गुस्सा आया हुआ था अब इस परवाह पे और जली थी, क्या हो गया है मेहमानों को ऐसे कहते, वलीद ने उसका तपा चेहरा देख के घूरा, कमल ये लो जूस दे के आओ, बाद में चाय के साथ कबाब पड़े हैं वो फ्राई करके देना, सैंडविच भी पड़े हुए, और वलीद साहब से पूछ के अगर चाहे हो तो मेरा गुर्दा और दिल भी मेहमानों को पेश करवा देना, हाथ में पकड़ी ट्रे टेबल पे पटकी और कहती बाहर निकल के, अरे अरे इसको क्या हुआ, वलीद एक लहजे को उसके इस रिएक्शन पे परेशान हुआ था, कवल जल्दी से ले आओ उन लोगों ने जाना है वापस पे, वलीद कहते निकल गया। इस सरफरी लड़की को समझना भी मुश्किल था और वो काफी फंसा हुआ था कामों में। दानिया अपने कमरे में जाते वलीद के कमरे के सामने से गुजरी तो गुस्से मजीद औद आया, धड़ से दरवाजा खोलती हुई अंदर दाखिल हुई और अपना गुस्सा हर चीज पे निकालना शुरू कर दिया। वो कमरा जो 3 साल मकीन की गैर मौजूदगी में चमकता रहा था 5 मिनट में तहस नहस हो गया था। करो मेहमान नवाजिया, वापस ही क्यों आए थे फिर, दानिया सुलगती चीख रही थी। मेहमानों को भेजने के बाद वलीद फ्रेश होने कमरे में आया, आज सुबह से वो घन चक्कर बना घूम रहा था, कंस्ट्रक्शन में मसरूफ था, कुछ केसेस में उलझा हुआ था, आज कराची से उसकी क्लाइंट ने भी आना था, उनको घर आने का बोला उनका मसला हल करके, अब फिर उसने किसी मीटिंग के लिए जाना था, ऊपर से दुश्मन जान का बिगड़ा मूड वो थका हारा कमरे में आया मगर कमरे की हालत देख के चकरा के रह गया। ये क्या हुआ, वलीद सदमे से चिखा, चीज उलट पलट हुई थी, बेडशीट, तकिए, फाइल्स, वार्डरोब के कपड़े, परफ्यूम्स, कोई भी चीज अपनी असल हालत में नहीं थी। वलीद का दिमाग मिनट में खराब हो गया, कौन कर सकता है भला घर में, उसके दानिया और कमल के अलावा कोई नहीं था, कमल तो हिम्मत नहीं कर सकती थी इतनी, तभी एक तपा लहजा याद आया, इतनी हिम्मत बस मेरी मिसेज में ही है, तो क्या मेरी बीवी जेलस हो रही है क्या, लेट्स सी, वलीद ने हंसते हुए जरेलब कहा। इन्हीं कदमों वो दानिया के कमरे की तरफ बढ़ा, धड़ से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ।
दुपट्टा उतार कर सोफे पर लेटी कम झूल ज्यादा रही थी। धाड़ की आवाज से फौरन सीधी हुई, आप? वो फौरन खड़ी हो गई। हाँ मैं, वलीद ने दिलचस्पी से उसका सरापा देखा था जो इस वक्त खुले बालों में बगैर दुपट्टे के उसके सामने खड़ी थी। कमरे में रोशनी कम थी क्योंकि शेरू सो रहा था। इस मध्यम रोशनी में उसका वजूद वलीद को भला लग रहा था। आपको कोई काम था? आप जाए मैं आती हूँ, दानिया ने बौखलाहट से कहा था। बीवी पहली बार आपके कमरे में आया हूँ तो निकाल क्यों रही हो? वलीद ने उसका हाथ खींच के उसको अपने साथ लगाया। दानिया की सांस अटक गई। तभी दुपट्टे का होश आया था जो सोफे के दूसरे सिरे पे पड़ा था। वो क्या है ना कि किसी ने मेरे कमरे का बहुत बुरा हशर कर दिया, अब मैं क्या करूँ? सोचा बीवी के कमरे में चला जाता हूँ, वलीद ने मध्यम लहजे में कहते उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए सरगोशी की थी और अपना सर भी उसकी गाल पे टिका दिया था, गोया अपनी थकन कम कर रहा हो। दानिया तो बेहोश होने को थी, अलबत्ता वलीद किसी और दुनिया में था। मैं ठीक कर देती हूँ, दानिया ने उसको परे करने की कोशिश की। जाहिर सी बात है, जिसने काम बिगाड़ा वही ठीक करेगा। हाँ ना जाना, वलीद ने अब थकन से सुर्ख होती आंखों से उसको देखा था जो सुर्ख पड़ चुकी थी। नहीं मैं तो कुछ नहीं किया, मेरा दुपट्टा, दानिया ने चोरी पकड़े जाने पर सफाई दी और उसको परे धकेला। महरम हूँ तुम्हारा, वलीद ने अपनी पेशानी उसकी पेशानी से टकराई थी। 3 सेकंड बाद वलीद को उस पर तरस आया। जाना 10 मिनट है आपके पास, मेरा कमरा साफ हो जाए, वरना आप जानती है मुझे, वलीद उसको घूरते हुए बोला और उसकी हालत पे तरस खाते उसको छोड़ बाहर निकल गया। दानिया इस सूरत हाल पे अभी तक हैरान खड़ी थी। दानिया बेटा, आज वलीद की क्लाइंट्स डिनर पे आ रही है तो जरा अहतमाम कर लेना। बड़ी प्यारी बच्चियां हैं, सनिया बेगम ने टीवी देखते दानिया को मुखातिब किया था। दानिया तो जल के रह गई थी, ऊपर से सनिया बेगम ने तारीफ कर दी थी, अब पप्पू को भी वो प्यारी लगने लग गई है, पहले तो बस बेटे को ही लगती थी। दानिया का दिल कटा था। दानिया किधर गुम हो? सनिया बेगम ने कोई जवाब ना पाके फिर से पूछा। जी पप्पू सुन रही हूँ, आप फिक्र ना करें, दानिया ने उनको तसल्ली दी थी। वलीद साहब तो आजकल घर ही नहीं टिक रहे थे, कहाँ गई वो मोहब्बत, सब ड्रामा था। एक बार भी दोबारा आके इस इंसान ने बात नहीं की, बस यही तक था ड्रामा, दानिया ने तुर्क लहजे में सोचा था। अब तो नई मसरूफियात में मगन होंगे साहब। दानिया का दिमाग अपनी तावीलों में मगन था। रात को एक पुरतकल्लुफ डिनर तैयार था। कंवल, दानिया और फिलजा की मेहनत से हुमा और महक आ चुकी थी, सब बातों में मगन थे। दानिया चुपचाप टेबल पे बर्तन लगा रही थी। यार लड़कियों को होटल में क्यों रहने दिया, तुम घर पे कमरा रेडी करवा लेते, अहमद ने पास बैठे वलीद से कहा था। उन लड़कियों का कमरा तो घर में रेडी हो जाना था भाई, मगर आपके इस भाई का कमरा घर से बाहर जाना था। क्यों, मुझे जलील करवाना है मेरी बीवी के हाथों? वलीद की नजरे शीशे के पार काम करती संजीदा सी सूरत लिए दानिया पे थी, जो एक सेकंड में इस स्टोन मैन का दिल धड़का देती थी। क्या मतलब, यहाँ दानिया का जिक्र क्यों? अहमर उलझा था। सारा उसी का ही जिक्र है भाई, अब तो उसकी मलकियत हूँ मैं, उसको लगता है इससे मुझे कोई छीन लेगा। जिस दिन से हुमा लोग आए हैं जली भुनी घूम रही है, वलीद ने अहमर को हंसते हुए बताया। कुछ शर्म करो फिर तुम, क्यों उसको मजीद तंग करो, जाके बात करो, अहमर ने उसको शर्म दिलाई। मैं सोचा अब इकट्ठा ही इजहार सुनूं और सुनाऊंगा रुखसती वाले दिन, वलीद ने हंसते हुए कहा था, अगर जिंदा रहे मेरे हाथों तब, अहमद ने उसको घूरा था। वलीद हंसा। आ जाए सब, खाना लग गया है, कंवल ने अंदर आके तिला दी थी। सभी ही खाने के लिए उठ गए। फिलजा शेरू को संभाल रही थी, कंवल और दानिया खाना सर्व कर रही थी। खाना अच्छे माहौल में खाया गया। मुस्तफ़ा साहब खाने का के बाद अपने कमरे में चले गए और सनिया बेगम नमाज पढ़ने। दानिया को मजबूरन उनके पास बैठना पड़ा। अहमद, वलीद और दानिया अब उनके पास बैठे थे। अहमर महक को अपने ऑफिस वर्क का बता रहा था। वलीद ने बताया था कि आप उनकी कजिन हैं। हुमा पास बैठी दानिया से बोली थी, जी मैं दूर परे की कजिन हूँ मैं, दरअसल मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ चुके हैं ना 3 साल पहले, तो उनके दर पे पड़ी हूँ, दानिया ने कहा था। कारी वार था वलीद का सीना छलनी हुआ। एक्सक्यूज मी, उससे मजीद हिम्मत नहीं थी दानिया की, माजरत करती उठी थी। सबर का पैमाना वलीद का भी छलक पड़ा था। 1 मिनट जाए के बगैर वो दानिया के पीछे गया, जो किचन में अब पनाह ले चुकी थी। वलीद ने जा रहा ना अंदाज में उसकी कलाई को पकड़ा। ये क्या बकवास करके आई हो? वलीद की आंखें जब्त से सुर्ख हो गई। मैं तो कुछ नहीं कहा, आपने खुद ही बोला था कजिन है मेरी, मैं भी वही बोली, बस कुछ सच्चाई बता दी है, दानिया ने भी निडर अंदाज में कहा। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो वो बात क्यों ही कर दी? वलीद नरम पड़ा। उसका मजाक अब उसके लिए जानलेवा साबित हो रहा था। हाँ ना, आप किसी बात का मतलब थोड़ी होता है, निकाह भी यूं ही किया, 3 साल पहले छोड़ के भी यूं ही चले गए, अब वापस भी यूं ही आ गए, मेरी जात तो आपके नजदीक है ही कुछ नहीं। दानिया के आंसू बह निकले थे। दानिया प्लीज ना करो ये सब, वलीद ने उसके आंसू साफ करने को हाथ बढ़ाया जैसे वो झटक गई थी। आखिर कितना इम्तिहान तुम्हें अपना, कैसे तुम्हें यकीन दिलाओ क्यों मेरे से दूर होती जा रही हूँ, वलीद बेबसी से बोला। पास
किया ही कब आपने? दानिया ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, अब तो आ गया हूं ना, खत्म करो ये सब, आसान कर दो मेरे लिए जिंदगी। वलीद आज उसको हर सूरत में मनाना चाह रहा था। आप भी तो दिल के कहने पे आए हैं ना वापस, अब मेरी वापसी भी मुझ पे छोड़ दे। दानिया ने उसके हाथ से अपने बाजू छुड़वाए थे। वलीद का भी दिमाग घूम गया। ठीक ठीक है, मैं भी अब तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, उफ तक नहीं कहूंगा, याद रखना। अब ये हर रात तुमने खुद छोड़ी है। वलीद सुर्ख आंखों से उसको देखता बाहर निकल गया। पीछे जिंदगी वीरान रह गई थी, जिंदगी वापस अपनी डगर पे निकल पड़ी। सब अपनी अपनी रूटीन में मसरूफ थे। वलीद ने दोबारा दानिया को मुखातिब नहीं किया, उसको उसके हार पे छोड़ चुका था। अलबत्ता दानिया उस पर बौखला गई। वो वलीद को देख देख के अपने दिन रात गुजारने लगी। सच तो यह था, दिल तो कब का मोम पड़ चुका था, मगर अब वो सितमगर भी बेरुखी इख्तियार कर चुका था। दानिया को लगता था अब भी वलीद उसको पुकारेगा, तंग करेगा, मगर कोई पुकार नहीं आती थी। वलीद भी सुबह का गया रात को लौटा करता था, इतवार को भी थोड़ा टाइम घर वालों के साथ गुजार के फिर से गायब हो जाया करता था। आज सुबह जब सनिया बेगम ने वलीद के कराची जाने की खबर सुनाई, दानिया अजीब पागल भी घूम रही थी। सुबह से बस दिमाग में सनिया बेगम यही अल्फाज गूंज रहे थे, वलीद भी कराची जा रहा है, उमा से कुछ काम था, उसे कुछ वक्त लगेगा। सनिया बेगम मुस्तफ़ा साहब को बता रही थी, मुस्तफ़ा साहब को चाय देती दानिया ये सुनकर सुन हो गई। क्यों जा रहा है वो कराची, हुमा से क्या काम है उसे? अगर हुमा ने दानिया से वलीद को छीन लिया फिर क्या होगा? अगर अब वो वापस ना आया तो? अगर वलीद ने मुझे छोड़ दिया? ये सवालात उसके इर्द गिर्द पास गश्त कर रहे थे और वो हवास बाख्ता घूम रही थी। अभी वो किचन में खड़ी थी, दो चूल्हे पे पड़ा गर्म हो रहा था, मगर उसके ध्यान के सारे धागे कहीं और उलझे हुए थे। तभी वलीद पानी पीने किचन में आया, मगर वो कहाँ मुतवज्जे थी, बेध्यानी। गर्म बर्तन को कपड़े से पकड़ने के बजाय हाथ से पकड़ लिया तो तवाजन हिला और गर्म दूध हाथ पे पड़ा था। वो दर्द से चीख उठी थी, उसके चीख पे किचन में पानी पीता वलीद तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। इससे पहले कि बाकी दूध उसके पाँव पे गिरता, वलीद ने उसको खींच के साइड पे किया और दूध के गर्म छींटे वलीद के पाँव पे गिरे, सुर्ख पैर को सुर्ख कर गए, मगर वो दानिया की तरफ मुतवज्जे था। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? वलीद चीखा था और उसका सुर्ख पड़ता हाथ पानी के नीचे किया जहाँ अबले नुमाया हो रहे थे। दानिया बस रोने में मगन थी, अब हिचकी बन गई थी। कुछ पहले वो परेशान थी, अब इस तकलीफ पे वो और रो दी। अपनी बेध्यानी में तुमने बड़ा नुकसान करवा लेना था, वलीद ने उसको घूरा था। अगर दूध पाँव पे भी गिर जाता तो कम तकलीफ ज्यादा बढ़ जानी थी। नुकसान तो हो गया है, दानिया हिचकी लेते हुए बोली। जुबान बंद कर लो अपनी। दानी मैं कह रहा हूँ मेरे गुस्से को मजीद हवा ना दो, वलीद ने घूरते हुए उसका दिमाग ठिकाने लगाया। चुपचाप यहाँ बैठो, बरनाल लगाने दो मुझे। नुकसान का मतलब भी पता है तुम्हें? बातें करती हूँ नुकसान की। वलीद ने उसका हाथ पकड़ा और डपटते हुए क्रीम लगाए। दानिया ने रोते हुए अपना हाथ खींचना चाहा, मगर वलीद की जबरदस्त घूरी ने उसको साकित कर दिया था। सीधी कमरे में जाओ, मुझे अब बाहर नजर ना आना, वरना उठा के अपने कमरे में ले जाऊंगा, वलीद ने सख्त लहजे में कहा था। वो कहीं से भी रियायत देने के मूड में नहीं था। दानिया मुंह बसोरती कमरे की जानब चलती। वलीद ने उसके जाने के बाद अपना सर हाथों में थाम लिया। दानिया कमरे से निकली, हर तरफ अंधेरा था, कोई भी नजर नहीं आ रहा था। कहाँ चले गए सब? दानिया ने लाउंज में आके आवाजें दी, मगर वहां कोई होता तो जवाब देता। कहाँ चले गए सब? अहमर भाई, मुस्तफ़ा अंकल, पप्पू, दानिया ने आवाज़ देती अंदर की तरफ बढ़ी। कोई भी नजर नहीं आ रहा था। दानिया का दिल धड़का, वो पागलों की तरह सबके रूम चेक कर रही थी, कोई भी नहीं था, सब चले गए, मैं अकेली रह गई। दानिया पागलों की तरह घर में भाग रही थी। वलीद, वलीद कहाँ है आप? वलीद मुझे डर लग रहा है, पप्पू भी नहीं है घर में। वलीद का कमरा भी खाली मुँह चढ़ा रहा था। वलीद क्या वाकई चले गए मुझे छोड़ के? दानिया ने कमरे में जाके खाली वार्डरोब को चेक किया जहाँ चंद एक चीज़ें पड़ी थी, बाकी खाली थी। फिलजा भाभी, वलीद कहाँ है? उनके रूम में उनके कपड़े भी नहीं हैं। दानिया पागलों की तरह आवाज़ें देती पूछ रही थी, कभी एक कमरे में जाती और कभी दूसरे कमरे में। सारा घर एकदम अंधेरे में डूब गया था। वलीद, दानिया चीखी थी। कमरे में आता वलीद जो उसको देखने आया था एकदम उसकी तरफ बढ़ा, जो नींद में रोते हुए उसको पुकार रही थी। वलीद चीख के साथ दानिया उठ गई। तभी वलीद ने उसको आगे बढ़ के अपनी गिरफ्त में लिया। दानिया, वलीद ने उसके पसीना पसीना होते रोते वजूद को खुद में भेजा। तो वलीद, आप मुझे छोड़ के चले गए थे, मैं आपको ढूंढ रही थी, दानिया रोते हुए उसके साथ लगी उसको बता रही थी। इस पल हर नाराजगी कहीं बहुत दूर थी। इस वक्त दानिया उसके खोने के खौफ में हर नज़दीकी और नाराजगी को बुलाए उसके सीने से लगी हुई थी। बस बस मैं इधर हूँ तुम्हारे पास ही, देखो, वलीद ने सर पे बोसा देते उसको अपने सामने करना चाहा, मगर वो उसके लिए तैयार ना थी। वलीद धीरे से हंस पड़ा।
सब चले गए थे, मैं अकेली रह गई। मैं सबको आवाज़ें दे रही थी, आपको भी इतनी आवाज़ें दे रही थी। दानिया फिर रो पड़ी, मेरी जान मैं इधर ही हूँ, सब इधर है, कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ एक बुरा ख्वाब था। वलीद ने उसको कहते हुए प्यार से अलग करके उसका चेहरा सामने करके अपने हाथों में लिया। जो डरी सहमी एक बच्ची लग रही थी, दानिया मजीद उसके करीब होके बैठी और उसके शर्ट को मुट्ठियों में भेज लिया कि कहीं वो दूर ना चला जाए। वलीद उसके इस डर पे शर्मिंदा भी हुआ था। आप पहले वादा करें, आप कराची नहीं जाएंगे ना? बिल्कुल कहीं भी नहीं जाएंगे, दानिया ने वलीद को असल मुद्दे की बात कही थी। मैं कहीं भी नहीं जा रहा, यहाँ से एक इंच भी नहीं हिलूंगा, बस अब रिलैक्स हो जाओ, ये पानी पियो। वलीद ने उसको टेबल से पानी का गिलास उठा के दिया और खुद अपने हाथों से दो घूंट पिलाए। अब मुझे तंग करोगी, मेरी सारी बातें मानोगी ना? वलीद ने फरमाबरदार बनी दानिया करूँ आंखों में समोते कहा। नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी, दानिया ने झट कहा। वलीद ने नरमी से उसको अपने करीब किया और उसके माथे पे बोसा दिया। दानिया अपने हवासों में वापस आ रही थी, इतनी कुर्बत पे पीछे हटी। देखो तुम फिर से वही खुंखार तानी बन रही हो, मैं चला जाऊंगा। वलीद ने उसको पीछे खिसकते देखा तो फिर बोला, नहीं नहीं आप कहीं नहीं जाएंगे। दानिया ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले अपना सर उसके सीने पर रख दिया। तुम्हारी सास मेरी पैकिंग कर रही है, उनका क्या जवाब दूंगा कि मामा मैं नहीं जा रहा कहीं भी, आपकी बीवी मुझे एक इंच भी हिलने नहीं दे रही। वलीद ने दानिया के गिर्द हिसार कायम करते हुए सरगोशी की थी। आपका दिल ज्यादा नहीं कर रहा जाने को? उस हुमा के पास दानिया भी बिगड़ी थी। खुदा को जानो यार, मेरे दिल अब मेरे पास है ही नहीं, तो क्या उसकी चाह, सब पे आप कब्जा करके बैठ गए। उस हुमा को मैं 3 साल पहले ही बता चुका था कि मैं बीवी वाला हूँ, और बीवी भी वो जो महंगी पड़ी है मुझे। वलीद ने दानिया के खर्चों को अपने अंदाज में दूर किया और उसका हाथ पकड़ के अपनी दिल वाली जगह पर रखा। यहाँ सुनो, सिर्फ एक धड़कन ही सुनेगी जो है दानी की वली की, वली की दानी। वलीद ने दानिया के कान में सरगोशी की। दानिया को अपने हाथ में अपना दिल भी धड़कता महसूस हुआ। नम आंखों से उसने वलीद की तरफ देखा। मैंने आपको बहुत मिस किया, दानिया बच्चों से रूहान से शक्ल बना के बोली। बेबी गर्ल मैं तुम्हें ज्यादा मिस किया, सॉरी फॉर ऑल माई मिस्टेक्स। वलीद ने उसको बच्चों जैसा मुंह बनाते देखा तो बोला, अच्छा सुनो एक बात बतानी थी। वलीद ने सरगोशी की थी। अच्छी सुनाए, दानिया ने आहिस्ता आवाज में कहा था और उसके हिसार से निकलना चाहा मगर वलीद ने ऐसा करने नहीं दिया। आई लव यू, वलीद ने सरगोशी की थी। दानिया मन मना भी ना सकी। सुनो एक और बात बतानी थी, वलीद ने फिर बंद आंखों से सरगोशी की थी। जी सुनाए, दानिया बदिक्कत मन मनाए। इस हफ्ते तुम्हारी रुखसती करवा रहा हूँ मैं, और इतवार को हमारा वलीमा है। वलीद ने अगली सरगोशी की थी। क्या? दानिया उछल पड़ी थी और उसको हिसार तोड़ती दूर हटी थी। देखो दोबारा से ना शुरू हो जाना, अब के ना मैं जाऊँगा ना तुम्हें समझाऊंगा, बल्कि तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। प्यार का नाजायज फायदा ना उठाओ, वलीद ने उसको आंखें निकाली थी। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो कह रही थी कि इतनी जल्दी, दानिया उसके गुस्से से डरती बोली थी। क्या तुम्हें ये जल्दी लग रहा है? ओफ कहाँ सर फोड़ू मैं जाके अपना, वलीद तासुब से कहता उसकी गोद में सर रख के लेट गया था। आप रुखसती के बाद भी ऐसे ही डांटा करेंगे मुझे? दानिया ने मुंह बना के पूछा था। ज्यादा प्यार किया करूंगा, डांट तुम्हारी उल्टी हरकतों पे लाजमी पड़ा करेगी, वलीद ने भी जवाब दिया। वलीद आप बहुत बुरे हैं, दानिया ने नम आंखों से शिकवा किया। वलीद छट उठा था। मेरी मजाल जो तुमसे ऊंची आवाज में बात भी कर लूं? छोटी छोटी बात पे आंखें नम ना किया करो, तुम्हारा वलीद तड़प जाता है। वलीद ने उसकी आंखों को अपने अंगूठों से साफ करते हुए सच्चाई बयान की थी। हाँ अलबत्ता प्यार करने से अगर मना करोगी तो बहुत डांट पड़ेगी, बल्कि लड़ाई भी हुआ करेगी, वलीद ने आंख दबाते हुए कहा। वली आप पूरे जिन हैं, फजूल बात ना करें मुझसे, दानिया ने उसको पास पड़ा तकिया मारा था। पुप्पू आप, दानिया ने दरवाजे में देखते हुए कहा। वलीद भी एक मिनट जाया के बगैर बैठ के दूसरी तरफ उतरा। दानिया भाग के दरवाजे से की तरफ गई, वहां दानिया के अलावा कोई नहीं था। दानिया वापस आ, मुझे बहुत बातें करनी है तुमसे, इस चीटिंग पे, वलीद चीखा था। अब हफ्ते को मुलाकात होगी, दानिया कहते बाहर को भागी। पीछे वलीद खुल के हंसा और खुदा का शुक्र अदा किया। अब हर तरफ बहार ही बहार थी, क्योंकि अब जश्न बहार है। खत्म शुदा, खुदा हाफिज़।